हेलो दोस्तों अगर आप कमांडो थ्री मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कमांडो थ्री मूवी के बारे में तो यह मूवी किस तरह की मूवी है कहां पर देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टार कास्ट देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी से देखते रहिएगा और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर देखिएगा आइए बात करते हैं कमांडो थ्री मूवी के बारे में तो उन्तीस नवंबर 2019 को रिलीज हुई एक्शन थ्रिलर मूवी है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना कमांडो थ्री मूवी में आपको एक्शन और थ्रिलर देखने को मिलने वाला है यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी के आई रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को 10 में से 5.9 की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है बात करें इस मूवी के कास्टिंग के बारे में तो इस मूवी में आपको कई बड़े कलाकार अहम किरदार में नज़र आने वाले हैं जिनमें बात करें विद्युत जामवाल अदा शर्मा अंगीराधार गुलसन देव्या और सिमरन कौर और फरेना वज़ीर कई बड़े कलाकार आपको अहम किरदार में नज़र आने वाले हैं तो इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म के बारे में तो इस मूवी को आप जी फाइव पर भी देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को आप G5 पर भी जरूर से ज़रूर देख ले देख लीजिएगा बात करें इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में तो इस मूवी को हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर आदित्य आदित्य दत्ता के द्वारा इस मूवी को डायरेक्ट किया गया है यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो इस मूवी की टाइम लेंथ दो घंटा तेरह मिनट के तकरीबन है यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से भी 84 प्रतिशत पसंद किया गया है जिया दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को 84 प्रतिशत गूगल यूजर्स की तरफ से भी पसंद किया गया है बात करें इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट 30 करोड़ था जी हाँ दोस्तों सही सुना इस मूवी का बजट तीस करोड़ था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर चालीस करोड़ की धमाकेदार कमाई करी है तो यह मूवी आपको काफ़ी ज्यादा पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी के बारे में तो इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी सनसाइन पिक्चर्स और रिलायंस एंटरटेनमेंट है तो दोस्तों यह मूवी आपको काफ़ी ज्यादा पसंद आने वाली है इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो कमांडो थ्री फिल्म धर्म के नाम पर हो रहे आतंकवाद के खिलाफ छिड़ी एक मुहिम की कहानी है हिंदू मुस्लिम बगावत धर्म परिवर्तन देश को खत्म कर देने की धमकी फर्जी पासपोर्ट दूर कहीं छिपा बैठा आतंकवादी फिल्म में सब कुछ है। बुराक गुलसन एक है, एक मास्टरमाइंड जो लंदन में बैठकर भी वीडियो के जरिए भारत के युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहा है और भारत के ऊपर बड़े आतंकवादी हमले का साया है ऐसे में भारत सरकार अपने सिर्फ श्रेष्ठ कमांडो कमांड। रणवीर सिंह डोगरा को यानी विद्युत जामवाल को एक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट भावना रेड्डी को लंदन जाकर आतंकवादी को ढूंढकर लाने की जिम्मेदारी देता है लंदन में इनका संपर्क बनता है और ब्रिटिश इंटेलिजेंट की मलिक का दूत और अरमान ठाकुर के द्वारा यहाँ से शुरू होता है यहाँ चूहे बिल्ली का खेल एक और जहाँ भारतीय एजेंट बुराक को पकड़ना चाहते हैं भाई उनकी हर कदम से पहले ही बुराक की नज़र है ऐसे में चारों फिल्म इस तरह के मास्टरमाइंड तक तो पहुँचते हैं और भारत में होने वाले हमले को रोक पाते हैं यही है फिल्म की कहानी तो इस मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है यह मूवी आप एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिए तो अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार हमारे YouTube चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे तो दोस्तों कमांडो थ्री मूवी में आपको एक्शन और थ्रिलर का कॉमेडी का तड़का भी देखने को मिलने वाला है यह आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार जरूर से ज़रूर देखिएगा और बात करें इस मूवी कास्टिंग के बारे में तो इस मूवी में आपको विद्युत जामवाल की ज़बरदस्त एक्टिंग देखने को मिलने वाली है और यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर पसंद आने वाली है अगर आप थ्रिलर और एक्शन मूवी को इन्जॉय करते हैं तो इस मूवी को भी बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है और बात करें इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटन की तो इस मूवी को रिलायंस एंटरटेनमेंट पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा क्योंकि हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर आदित्य दत्त जी के द्वारा इस मूवी को डायरेक्ट किया है तो यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करने वाली है इस मूवी को आप ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा और अब अगर आपको हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद गुड बाय हेलो दोस्तों अगर आप कमांडो थ्री मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कमांडो थ्री मूवी के बारे में तो यह मूवी किस तरह की मूवी है कहाँ पर देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टार कास्ट देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी से देखते रहिएगा और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर देखिएगा आइए बात करते हैं कमांडो थ्री मूवी के बारे में तो उन्तीस नवंबर 2019 को रिलीज हुई एक्शन थ्रिलर मूवी है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना कमांडो थ्री मूवी में आपको एक्शन और थ्रिलर देखने को मिलने वाला है यह मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी के आई रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को 10 में से 5.9 की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को को धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है बात करें इस मूवी के कास्टिंग के बारे में तो इस मूवी में आपको कई बड़े कलाकार अहम किरदार में नज़र आने वाले हैं जिनमें बात करें विद्युत जामवाल अदा शर्मा अंगीरा धार गुलश्सन देव्या और सिमरन कौर और फरेना वजीर कई बड़े कलाकार आपको अहम किरदार में नज़र आने वाले हैं तो इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म के बारे में तो इस मूवी को आप जी फाइव पर भी देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को आप जी फाइव पर भी ज़रूर से ज़रूर देख ले देख लीजिएगा बात करें इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में तो इस मूवी को हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर आदित्य आदित्य दत्ता के द्वारा इस मूवी को डायरेक्ट किया गया है तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो इस मूवी की टाइम लेंथ दो घंटा तेरह मिनट के तकरीबन है यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से भी 84 प्रतिशत पसंद किया गया है जी हाँ दोस्तों मूवी को 84 प्रतिशत गूगल यूजर्स की तरफ से भी पसंद किया गया है बात करें इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट तीस करोड़ था जी हाँ दोस्तों सही सुना इस मूवी का बजट तीस करोड़ था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर चालीस करोड़ की धमाकेदार कमाई करी है तो यह मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी के बारे में तो इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी सनसाइन पिक्चर्स और रिलायंस एंटरटेनमेंट है तो दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो कमांडो थ्री फिल्म धर्म के नाम पर हो रहे आतंकवाद के खिलाफ छिड़ी एक मुहिम की कहानी है हिंदू मुस्लिम बगावत धर्म परिवर्तन देश को खत्म कर देने की धमकी फर्जी पासपोर्ट दूर कहीं छिपा बैठा आतंकवादी भक्ति फिल्म में सब कुछ है बुराक अंसारी गुलसन देवव्या एक मास्टरमाइंड है जो लंदन में बैठकर भी वीडियो के जरिए भारत के युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहा है और भारत के ऊपर बड़े आतंकवादी हमले का साया है ऐसे में भारत सरकार अपने सर्वश्रेष्ठ कमांडो कमांडो रणवीर सिंह डोगरा को यानी विद्युत जामवाल को एक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट भावना रेड्डी को लंदन जाकर आतंकवादी को ढूंढकर लाने की जिम्मेदारी देता है लंदन में इनका संपर्क बनता है और ब्रिटिश इंटेलिजेंट की मलिक का दूत और अरमान ठाकुर के द्वारा यहाँ से शुरू होता है यहाँ चूहे बिल्ली का खेल एक और जहाँ भारतीय एजेंट बुराक को पकड़ना चाहते हैं भाई उनकी हर कदम से पहले ही बुराक की नज़र है ऐसे में चारों फिल्म इस तरह के मास्टरमाइंड तक तो पहुंचते हैं और भारत में होने वाले हमले को रोक पाते हैं यही है फिल्म की कहानी तो इस मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है यह मूवी आप एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिए तो अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार हमारे YouTube चैनल को ज़रूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे तो दोस्त कमांडो थ्री मूवी में आपको एक्शन और थ्रिलर का कॉमेडी का तड़का भी देखने को मिलने वाला है यह आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार जरूर से ज़रूर देखिएगा और बात करें इस मूवी कास्टिंग के बारे में तो इस मूवी में आपको विद्युत जामवाल की ज़बरदस्त एक्टिंग देखने को मिलने वाली है और यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर पसंद आने वाली है अगर आप थ्रिलर और एक्शन मूवी को इन्जॉय करते हैं तो इस मूवी को भी बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है और बात करें इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटन की तो इस मूवी को रिलायंस एंटरटेनमेंट पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा क्योंकि हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर आदित्य दत्त जी के द्वारा इस मूवी को डायरेक्ट किया है तो यह मूवी आपको जरूर से ज़रूर इन्जॉय करने वाली है इस मूवी को आप ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा और अब अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद गुड बाय हेलो दोस्तों अगर आप कमांडो थ्री मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कमांडो थ्री मूवी के बारे में तो यह मूवी किस तरह की मूवी है कहां पर देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टार कास्ट देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी से देखते रहिएगा और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर देखिएगा आइए बात करते हैं कमांडो थ्री मूवी के बारे में तो उन्तीस नवंबर 2019 को रिलीज हुई एक्शन थ्रिलर मूवी है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना कमांडो थ्री मूवी में आपको एक्शन और थ्रिलर देखने को मिलने वाला है यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी के आई रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को 10 में से 5.9 की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है बात करें इस मूवी के कास्टिंग के बारे में तो इस मूवी में आपको कई बड़े कलाकार अहम किरदार में नज़र आने वाले हैं जिनमें बात करें विद्युत जामवाल अदा शर्मा अंगीर आधार गुलशन देव्या और सिमरन कौर और फरेना वज़ीर कई बड़े कलाकार आपको अहम किरदार में नज़र आने वाले हैं तो इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म के बारे में तो इस मूवी को आप जी फाइव पर भी देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को आप G5 पर भी जरूर से ज़रूर देख ले देख लीजिएगा बात करें इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में तो इस मूवी को हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर आदित्य आध, आदित्य दत्ता के द्वारा इस मूवी को डायरेक्ट किया गया है यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो इस मूवी की टाइम लेंथ दो घंटा तेरह मिनट के तकरीबन है यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से भी 84 प्रतिशत पसंद किया गया है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को 84 प्रतिशत गूगल यूजर्स की तरफ से भी पसंद किया गया है बात करें इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट 30 करोड़ था जी हाँ दोस्तों सही सुना इस मूवी का बजट तीस करोड़ था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर चालीस करोड़ की धमाकेदार कमाई करी है तो यह मूवी आपको काफ़ी ज्यादा पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी के बारे में तो इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी सनसाइन पिक्चर्स और रिलायंस एंटरटेनमेंट है तो दोस्तों यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो कमांडो थ्री फिल्म धर्म के नाम पर हो रहे आतंकवाद के खिलाफ छिड़ी एक मुहिम की कहानी है हिंदू मुस्लिम बगावत धर्म परिवर्तन देश को खत्म कर देने की धमकी फर्जी पासपोर्ट दूर कहीं छिपा बैठा आतंकवादी देशभक्ति फिल्म में सब कुछ है अंसारी गुलशन देव्या एक मास्टर है जो लंदन में बैठ भी वीडियो के जरिए भारत के युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहा है और भारत के ऊपर बड़े आतंकवादी हमले का साया है ऐसे में भारत सरकार अपने सिर्फ श्रेष्ठ कमांडो कमांडो रणवीर सिंह डोगरा को यानी विद्युत जामवाल को एक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट भावना रेड्डी को लंदन जाकर आतंकवादी को ढूंढकर लाने की जिम्मेदारी देता है लंदन में इनका संपर्क बनता है और ब्रिटिश इंटेलिजेंट की मलिक का दूत और अरमान ठाकुर के द्वारा यहाँ से शुरू होता है यहाँ चूहे बिल्ली का खेल एक और जहाँ भारतीय एजेंट बुराक को पकड़ना चाहते हैं वहीं उनकी हर कदम से पहले ही बुराक की नज़र है ऐसे में चारों फिल्म इस तरह के मास्टरमाइंड तक पहुँचते हैं और भारत में होने वाले हमले को रोक पाते हैं यही है फिल्म की कहानी तो इस मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है यह मूवी आप एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिए तो अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे तो दोस्तों कमांडो थ्री मूवी में आपको एक्शन और थ्रिलर का कॉमेडी का तड़का भी देखने को मिलने वाला है यह आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार ज़रूर से ज़रूर देखिएगा और बात करें इस मूवी कास्टिंग के बारे में तो इस मूवी में आपको विद्युत जामवाल की ज़बरदस्त एक्टिंग देखने को मिलने वाली है और यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर पसंद आने वाली है अगर आप थ्रिलर और एक्शन मूवी को इन्जॉय करते हैं तो इस मूवी को भी बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है और बात करें इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन की तो इस मूवी को रिलायंस एंटरटेनमेंट पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा क्योंकि हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर आदित्य दत्त जी के द्वारा इस मूवी को डायरेक्ट किया है तो यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करने वाली है इस मूवी को आप ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा और अब अगर आपको हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद गुड बाय हेलो दोस्तों अगर आप कमांडो थ्री मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कमांडो थ्री मूवी के बारे में तो यह मूवी किस तरह की मूवी है कहाँ पर देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टार कास्ट देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी से देखते रहिएगा और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर देखिएगा आइए बात करते हैं कमांडो थ्री मूवी के बारे में तो गुणतीस नवंबर 2019 को रिलीज हुई एक्शन थ्रिलर मूवी है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना कमांडो थ्री मूवी में आपको एक्शन और थ्रिलर देखने को मिलने वाला है यह मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी के आई रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को 10 में से 5.9 की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है बात करें इस मूवी के कास्टिंग के बारे में तो इस मूवी में आपको कई बड़े कलाकार अहम किरदार में नज़र आने वाले हैं जिनमें बात करें विद्युत जामवाल अदा शर्मा अंगीर धार गुलशसन देव्या और सिमरन कौर और फ़रेना वजीर कई बड़े कलाकार आपको अहम किरदार में नज़र आने वाले हैं तो इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म के बारे में तो इस मूवी को आप जी फाइव पर भी देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को आप जी फाइव पर भी ज़रूर से ज़रूर देख ले देख लीजिएगा बात करें इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में तो इस मूवी को हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर आदित्य आदित्य दत्ता के द्वारा इस मूवी को डायरेक्ट किया गया है यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो इस मूवी की टाइम लेंथ दो घंटा तेरह मिनट के तकरीबन है यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से भी 84 प्रतिशत पसंद किया गया है जिया दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को 84 प्रतिशत गूगल यूजर्स की तरफ से भी पसंद किया गया है बात करें इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट तीस करोड़ था जी हाँ दोस्तों सही सुना इस मूवी का बजट तीस करोड़ था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर चालीस करोड़ की धमाकेदार कमाई करी है तो यह मूवी आपको काफ़ी ज्यादा पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी के बारे में तो इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी सनसाइन पिक्चर्स और रिलायंस एंटरटेनमेंट है तो दोस्तों यह मूवी आपको काफ़ी ज्यादा पसंद आने वाली है इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो कमांडो थ्री फिल्म धर्म के नाम पर हो रहे आतंकवाद के खिलाफ छिड़ी एक मुहिम की कहानी है हिंदू मुस्लिम बगावत धर्म परिवर्तन देश को खत्म कर देने की धमकी फर्जी पासपोर्ट दूर कहीं छिपा बैठा आतंकवादी देश फिल्म में सब कुछ है बुराक अंसारी गुलसन देवव्या एक मास्टरमाइंड है जो लंदन में बैठकर भी वीडियो के जरिए भारत के युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहा है और भारत के ऊपर बड़े आतंकवादी हमले का साया है ऐसे में भारत सरकार अपने सर्वश्रेष्ठ कमांडो कमांडो रणवीर सिंह डोगरा को यानी विद्युत जामवाल को एक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट भावना रेड्डी को लंदन जाकर आतंकवादी को ढूंढकर लाने की जिम्मेदारी देता है लंदन में इनका संपर्क बनता है और ब्रिटिश इंटेलिजेंट की मलिक का दूत और अरमान ठाकुर के द्वारा यहाँ से शुरू होता है यहाँ चूहे बिल्ली का खेल एक और जहाँ भारतीय एजेंट बुराक को पकड़ना चाहते हैं भाई उनकी हर कदम से पहले ही बुराक की नज़र है ऐसे में चारों फिल्म इस तरह के मास्टरमाइंड तक पहुंचते हैं और भारत में होने वाले हमले को रोक पाते हैं यही है फिल्म की कहानी तो इस मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है यह मूवी आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिए तो अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार हमारे YouTube चैनल को ज़रूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे तो कमांडो थ्री मूवी में आपको एक्शन और थ्रिलर का कॉमेडी का तड़का भी देखने को मिलने वाला है यह आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार जरूर से ज़रूर देखिएगा और बात करें इस मूवी कास्टिंग के बारे में तो इस मूवी में आपको विद्युत जाम्वाल की ज़बरदस्त एक्टिंग देखने को मिलने वाली है और यह मूवी आपको जरूर से ज़रूर पसंद आने वाली है अगर आप थ्रिलर और एक्शन मूवी को एंजॉय करते हैं तो इस मूवी को भी बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है और बात करें इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन की तो इस मूवी को रिलायंस एंटरटेनमेंट पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा क्योंकि हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर आदित्य दत्त जी के द्वारा इस मूवी को डायरेक्ट किया है तो यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करने वाली है इस मूवी को आप ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा और अब अगर आपको हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद गुड बाय हेलो दोस्तों अगर आप कमांडो थ्री मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कमांडो थ्री मूवी के बारे में तो यह मूवी किस तरह की मूवी है कहां पर देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टार कास्ट देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी से देखते रहिएगा और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर देखिएगा आइए बात करते हैं कमांडो थ्री मूवी के बारे में तो उन्तीस नवंबर 2019 को रिलीज हुई एक्शन थ्रिलर मूवी है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना कमांडो थ्री मूवी में आपको एक्शन और थ्रिलर देखने को मिलने वाला है यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी के आई रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को 10 में से 5.9 की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है बात करें इस मूवी के कास्टिंग के बारे में तो इस मूवी में आपको कई बड़े कलाकार अहम किरदार में नज़र आने वाले हैं जिनमें बात करें विद्युत जामवाल अदा शर्मा अंगीर अधार गुलशन देव्या और सिमरन कौर और फरेना वज़ीर कई बड़े कलाकार आपको अहम किरदार में नज़र आने वाले हैं तो इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म के बारे में तो इस मूवी को आप जी फाइव पर भी देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को आप G5 पर भी जरूर से ज़रूर देख ले देख लीजिएगा बात करें इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में तो इस मूवी को हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर आदित्य आदित्य दत्ता के द्वारा इस मूवी को डायरेक्ट किया गया है यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो इस मूवी की टाइम लेंथ दो घंटा तेरह मिनट के तकरीबन है यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से भी 84 प्रतिशत पसंद किया गया है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को 84 प्रतिशत गूगल यूजर्स की तरफ से भी पसंद किया गया है बात करें इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट 30 करोड़ था जी हाँ दोस्तों सही सुना इस मूवी का बजट तीस करोड़ था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर चालीस करोड़ की धमाकेदार कमाई करी है तो यह मूवी आपको काफ़ी ज्यादा पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी के बारे में तो इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी सनसाइन पिक्चर्स और रिलायंस एंटरटेनमेंट है तो दोस्तों यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो कमांडो थ्री फिल्म धर्म के नाम पर हो रहे आतंकवाद के खिलाफ छिड़ी एक मुहिम की कहानी है हिंदू मुस्लिम बगावत धर्म परिवर्तन देश को खत्म कर देने की धमकी फर्जी पासपोर्ट दूर कहीं छिपा बैठा आतंकवादी देशभक्ति फिल्म में सब कुछ है बुराक अंसारी गुलशन देव्या एक मास्टर है जो लंदन में बैठ भी वीडियो के जरिए भारत के युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहा है और भारत के ऊपर बड़े आतंकवादी हमले का साया है ऐसे में भारत सरकार अपने सिर्फ श्रेष्ठ कमांडो कमांडो रणवीर सिंह डोगरा को यानी विद्युत जामवाल को एक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट भावना रेड्डी को लंदन जाकर आतंकवादी को ढूंढकर लाने की जिम्मेदारी देता है लंदन में इनका संपर्क बनता है और ब्रिटिश इंटेलिजेंट की मलिक का दूत और अरमान ठाकुर के द्वारा यहाँ से शुरू होता है यहाँ चूहे बिल्ली का खेल एक और जहाँ भारतीय एजेंट बुराक को पकड़ना चाहते हैं वहीं उनकी हर कदम से पहले ही बुराक की नज़र है ऐसे में चारों फिल्म इस तरह के मास्टरमाइंड तक पहुँचते हैं और भारत में होने वाले हमले को रोक पाते हैं यही है फिल्म की कहानी तो इस मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है यह मूवी आप एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिए तो अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे तो दोस्तों कमांडो थ्री मूवी में आपको एक्शन और थ्रिलर का कॉमेडी का तड़का भी देखने को मिलने वाला है यह आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार ज़रूर से ज़रूर देखिएगा और बात करें इस मूवी कास्टिंग के बारे में तो इस मूवी में आपको विद्युत जाम्वाल की ज़बरदस्त एक्टिंग देखने को मिलने वाली है और यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर पसंद आने वाली है अगर आप थ्रिलर और एक्शन मूवी को इन्जॉय करते हैं तो इस मूवी को भी बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है और बात करें इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन की तो इस मूवी को रिलायंस एंटरटेनमेंट पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा क्योंकि हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर आदित्य दत्त जी के द्वारा इस मूवी को डायरेक्ट किया है तो यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करने वाली है इस मूवी को आप ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा और अब अगर आपको हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद गुड बाय हेलो दोस्तों अगर आप कमांडो थ्री मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कमांडो थ्री मूवी के बारे में तो यह मूवी किस तरह की मूवी है कहाँ पर देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टार कास्ट देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी से देखते रहिएगा और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर देखिएगा आइए बात करते हैं कमांडो थ्री मूवी के बारे में तो उन्तीस नवंबर 2019 को रिलीज हुई एक्शन थ्रिलर मूवी है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना कमांडो थ्री मूवी में आपको एक्शन और थ्रिलर देखने को मिलने वाला है यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी के आई रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को 10 में से 5.9 की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है बात करें इस मूवी के कास्टिंग के बारे में तो इस मूवी में आपको कई बड़े कलाकार अहम किरदार में नज़र आने वाले हैं जिनमें बात करें विद्युत जाम्बाल अदा शर्मा अंगीराधार गुलसन देव्या और सिमरन कौर और फ़ारेना वज़ीर कई बड़े कलाकार आपको अहम किरदार में नज़र आने वाले हैं तो इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म के बारे में तो इस मूवी को आप जी फाइव पर भी देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को आप जी फाइव पर भी ज़रूर से ज़रूर देख ले देख लीजिएगा बात करें इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में तो इस मूवी को हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर आदित्य दत्ता के द्वारा इस मूवी को डायरेक्ट किया गया है तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो इस मूवी की टाइम लेंथ दो घंटा तेरह मिनट के तकरीबन है यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से भी 84 प्रतिशत पसंद किया गया है जिया दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को 84 प्रतिशत गूगल यूजर्स की तरफ से भी पसंद किया गया है बात करें इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट तीस करोड़ था जी हाँ दोस्तों सही सुना इस मूवी का बजट तीस करोड़ था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर चालीस करोड़ की धमाकेदार कमाई करी है तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी के बारे में तो इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी सनसाइन पिक्चर्स और रिलायंस एंटरटेनमेंट है तो दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो कमांडो थ्री फिल्म धर्म के नाम पर हो रहे आतंकवाद के खिलाफ छिड़ी एक मुहिम की कहानी है हिंदू मुस्लिम बगावत धर्म परिवर्तन देश को खत्म कर देने की धमकी फर्जी पासपोर्ट दूर कहीं छिपा बैठा आतंकवादी देश भक्ति फिल्म में सब कुछ है बुराक अंसारी गुलसन देवव्या एक मास्टरमाइंड है जो लंदन में बैठकर भी वीडियो के जरिए भारत के युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहा है और भारत के ऊपर बड़े आतंकवादी हमले का साया है ऐसे में भारत सरकार अपने सर्वश्रेष्ठ कमांडो कमांडो रणवीर सिंह डोगरा को यानी विद्युत जामवाल को एक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट भावना रेड्डी को लंदन जाकर आतंकवादी को ढूंढकर लाने की जिम्मेदारी देता है लंदन में इनका संपर्क बनता है और ब्रिटिश इंटेलिजेंट की मलिक का दूत और अरमान ठाकुर के द्वारा यहाँ से शुरू होता है यहाँ चूहे बिल्ली का खेल एक और जहाँ भारतीय एजेंट बुराक को पकड़ना चाहते हैं भाई उनकी हर कदम से पहले ही बुराक की नज़र है ऐसे में चारों फिल्म इस तरह के मास्टरमाइंड तक पहुंचते हैं और भारत में होने वाले हमले को रोक पाते हैं यही है फिल्म की कहानी तो इस मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है यह मूवी आप एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिए तो अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार हमारे YouTube चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे तो दोस्त कमांडो थ्री मूवी में आपको एक्शन और थ्रिलर का कॉमेडी का तड़का भी देखने को मिलने वाला है यह आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार ज़रूर से ज़रूर देखिएगा और बात करें इस मूवी कास्टिंग के बारे में तो इस मूवी में आपको विद्युत जामवाल की ज़बरदस्त एक्टिंग देखने को मिलने वाली है और यह मूवी आपको जरूर से ज़रूर पसंद आने वाली है अगर आप थ्रिलर और एक्शन मूवी को इन्जॉय करते हैं तो इस मूवी को भी बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है और बात करें इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटन की तो इस मूवी को रिलायंस एंटरटेनमेंट पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा क्योंकि हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर आदित्य दत्त जी के द्वारा इस मूवी को डायरेक्ट किया है तो यह मूवी आपको जरूर से ज़रूर इन्जॉय करने वाली है इस मूवी को आप ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा और अब अगर आपको हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद गुड बाय हेलो दोस्तों अगर आप कमांडो थ्री मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कमांडो थ्री मूवी के बारे में तो यह मूवी किस तरह की मूवी है कहां पर देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टार कास्ट देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी से देखते रहिएगा और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर देखिएगा आइए बात करते हैं कमांडो थ्री मूवी के बारे में तो उन्तीस नवंबर 2019 को रिलीज हुई एक्शन थ्रिलर मूवी है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना कमांडो थ्री मूवी में आपको एक्शन और थ्रिलर देखने को मिलने वाला है यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी के आई रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को दस में से फाइव की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है बात करें इस मूवी के कास्टिंग के बारे में तो इस मूवी में आपको कई बड़े कलाकार अहम किरदार में नज़र आने वाले हैं जिनमें बात करें विद्युत जामवाल अदा शर्मा अंगीराधार गुलसन देव्या और सिमरन कौर और फरेना वजीर कई बड़े कलाकार आपको अहम किरदार में नज़र आने वाले हैं तो इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म के बारे में तो इस मूवी को आप जी फाइव पर भी देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को आप जी फाइव पर भी जरूर से ज़रूर देख ले देख लीजिएगा बात करें इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में तो इस मूवी को हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर आदित्य दत्ता के द्वारा इस मूवी को डायरेक्ट किया गया है यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो इस मूवी की टाइम लेंथ दो घंटा तेरह मिनट के तकरीबन है यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से भी 84 प्रतिशत पसंद किया गया है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को 84 प्रतिशत गूगल यूजर्स की तरफ से भी पसंद किया गया है बात करें इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट 30 करोड़ था जी हाँ दोस्तों सही सुना इस मूवी का बजट तीस करोड़ था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर चालीस करोड़ की धमाकेदार कमाई करी है तो यह मूवी आपको काफ़ी ज्यादा पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी के बारे में तो इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी सनसाइन पिक्चर्स और रिलायंस एंटरटेनमेंट है तो दोस्तों यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो कमांडो थ्री फिल्म धर्म के नाम पर हो रहे आतंकवाद के खिलाफ छिड़ी एक मुहिम की कहानी है हिंदू मुस्लिम बगावत धर्म परिवर्तन देश को खत्म कर देने की धमकी फर्जी पासपोर्ट दूर कहीं छिपा बैठा आतंकवादी देशभक्ति फिल्म में सब कुछ है अंसारी गुलशन देव्या एक मास्टर है जो लंदन में बैठ भी वीडियो के जरिए भारत के युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहा है और भारत के ऊपर बड़े आतंकवादी हमले का साया है ऐसे में भारत सरकार अपने सिर्फ श्रेष्ठ कमांडो कमांडो रणवीर सिंह डोगरा को यानी विद्युत जामवाल को एक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट भावना रेड्डी को लंदन जाकर आतंकवादी को ढूंढकर लाने की जिम्मेदारी देता है लंदन में इनका संपर्क बनता है और ब्रिटिश इंटेलिजेंट की मलिक का दूत और अरमान ठाकुर के द्वारा यहाँ से शुरू होता है यहाँ चूहे बिल्ली का खेल एक और जहाँ भारतीय एजेंट बुराक को पकड़ना चाहते हैं भाई उनकी हर कदम से पहले ही बुराक की नज़र है ऐसे में चारों फिल्म इस तरह के मास्टरमाइंड तक पहुँचते हैं और भारत में होने वाले हमले को रोक पाते हैं यही है फिल्म की कहानी तो इस मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है यह मूवी आप एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिए तो अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे तो दोस्तों कमांडो थ्री मूवी में आपको एक्शन और थ्रिलर का कॉमेडी का तड़का भी देखने को मिलने वाला है यह आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार ज़रूर से ज़रूर देखिएगा और बात करें इस मूवी कास्टिंग के बारे में तो इस मूवी में आपको विद्युत जाम्वाल की ज़बरदस्त एक्टिंग देखने को मिलने वाली है और यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर पसंद आने वाली है अगर आप थ्रिलर और एक्शन मूवी को एंजॉय करते हैं तो इस मूवी को भी बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है और बात करें इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटन की तो इस मूवी को रिलायंस एंटरटेनमेंट पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा क्योंकि हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर आदित्य दत्त जी के द्वारा इस मूवी को डायरेक्ट किया है तो यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करने वाली है इस मूवी को आप ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा और अब अगर आपको हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद गुड बाय हेलो दोस्तों अगर आप कमांडो थ्री मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कमांडो थ्री मूवी के बारे में तो यह मूवी किस तरह की मूवी है कहाँ पर देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टार कास्ट देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी से देखते रहिएगा और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर देखिएगा आइए बात करते हैं कमांडो थ्री मूवी के बारे में तो 29 नवंबर 2019 को रिलीज हुई एक्शन थ्रिलर मूवी है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना कमांडो थ्री मूवी में आपको एक्शन और थ्रिलर देखने को मिलने वाला है यह मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी के आई रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को 10 में से 5.9 की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है बात करें इस मूवी के कास्टिंग के बारे में तो इस मूवी में आपको कई बड़े कलाकार अहम किरदार में नज़र आने वाले हैं जिनमें बात करें विद्युत जाम्बाल अदा शर्मा अंगीर आधार गुलशन देव्या और सिमरन कौर और फरेना वजीर कई बड़े कलाकार आपको अहम किरदार में नज़र आने वाले हैं तो इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म के बारे में तो इस मूवी को आप जी फाइव पर भी देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को आप G5 पर भी जरूर से ज़रूर देख ले देख लीजिएगा बात करें इस मूवी के डायरेक्टर के, के बारे में तो इस मूवी को हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर आदित्य आदित्य दत्ता के द्वारा इस मूवी को डायरेक्ट किया गया है यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो इस मूवी की टाइम लेंथ दो घंटा तेरह मिनट के तकरीबन है यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से भी 84 प्रतिशत पसंद किया गया है जिया दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को 84 प्रतिशत गूगल यूजर्स की तरफ से भी पसंद किया गया है बात करें इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट 30 करोड़ था जी हाँ दोस्तों सही सुना इस मूवी का बजट तीस करोड़ था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर चालीस करोड़ की धमाकेदार कमाई करी है तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी के बारे में तो इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी सनसाइन पिक्चर्स और रिलायंस एंटरटेनमेंट है तो दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो कमांडो थ्री फिल्म धर्म के नाम पर हो रहे आतंकवाद के खिलाफ छिड़ी एक मुहिम की कहानी है हिंदू मुस्लिम बगावत धर्म परिवर्तन देश को खत्म कर देने की धमकी फर्जी पासपोर्ट दूर कहीं छिपा बैठा आतंकवादी देश भक्ति फिल्म में सब कुछ है बुराक अंसारी गुलसन देवव्या एक मास्टरमाइंड है जो लंदन में बैठकर भी वीडियो के जरिए भारत के युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहा है और भारत के ऊपर बड़े आतंकवादी हमले का साया है ऐसे में भारत सरकार अपने सर्वश्रेष्ठ कमांडो कमांडो रणवीर सिंह डोगरा को यानी विद्युत जामवाल को एक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट भावना रेड्डी को लंदन जाकर आतंकवादी को ढूंढकर लाने की जिम्मेदारी देता है लंदन में इनका संपर्क बनता है और ब्रिटिश इंटेलिजेंट की मलिक का दूत और अरमान ठाकुर के द्वारा यहाँ से शुरू होता है यहाँ चूहे बिल्ली का खेल एक और जहाँ भारतीय एजेंट बुराक को पकड़ना चाहते हैं भाई उनकी हर कदम से पहले ही बुराक की नज़र है ऐसे में चारों फिल्म इस तरह के मास्टरमाइंड तक तो पहुंचते हैं और भारत में होने वाले हमले को रोक पाते हैं यही है फिल्म की कहानी तो इस मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है यह मूवी आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिए तो अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार हमारे YouTube चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे तो दोस्त कमांडो थ्री मूवी में आपको एक्शन और थ्रिलर का कॉमेडी का तड़का भी देखने को मिलने वाला है यह मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार जरूर से जरूर देखिएगा और बात करें इस मूवी कास्टिंग के बारे में तो इस मूवी में आपको विद्युत जामवाल की ज़बरदस्त एक्टिंग देखने को मिलने वाली है और यह मूवी आपको जरूर से ज़रूर पसंद आने वाली है अगर आप थ्रिलर और एक्शन मूवी को इन्जॉय करते हैं तो इस मूवी को भी बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है और बात करें इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटन की तो इस मूवी को रिलायंस एंटरटेनमेंट पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा क्योंकि हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर आदित्य दत्त जी के द्वारा इस मूवी को डायरेक्ट किया है तो यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करने वाली है इस मूवी को आप जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा और अब अगर आपको हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद गुड बाय हेलो दोस्तों अगर आप कमांडो थ्री मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कमांडो थ्री मूवी के बारे में तो यह मूवी किस तरह की मूवी है कहां पर देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टार कास्ट देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी से देखते रहिएगा और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर देखिएगा आइए बात करते हैं कमांडो थ्री मूवी के बारे में तो 29 नवंबर 2019 को रिलीज हुई एक्शन थ्रिलर मूवी है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना कमांडो थ्री मूवी में आपको एक्शन और थ्रिलर देखने को मिलने वाला है यह मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी के आई रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को दस में से 5.9 की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है बात करें इस मूवी के कास्टिंग के बारे में तो इस मूवी में आपको कई बड़े कलाकार अहम किरदार में नज़र आने वाले हैं जिनमें बात करें विद्युत जामवाल अदा शर्मा अंगीरा धार गुलसन देव्या और सिमरन कौर और फरेना वजीर कई बड़े कलाकार आपको अहम किरदार में नज़र आने वाले हैं तो इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म के बारे में तो इस मूवी को आप G5 पर भी देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को आप G5 पर भी जरूर से ज़रूर देख ले देख लीजिएगा बात करें इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में तो इस मूवी को हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर आदित्य आदित दत्ता के द्वारा इस मूवी को डायरेक्ट किया गया है यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो इस मूवी की टाइम लेंथ दो घंटा तेरह मिनट के तकरीबन है यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से भी 84 प्रतिशत पसंद किया गया है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को 84 प्रतिशत गूगल यूजर्स की तरफ से भी पसंद किया गया है बात करें इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट 30 करोड़ था जी हाँ दोस्तों सही सुना इस मूवी का बजट तीस करोड़ था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर चालीस करोड़ की धमाकेदार कमाई करी है तो यह मूवी आपको काफ़ी ज्यादा पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी के बारे में तो इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी सनसाइन पिक्चर्स और रिलायंस एंटरटेनमेंट है तो दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो कमांडो थ्री फिल्म धर्म के नाम पर हो रहे आतंकवाद के खिलाफ छिड़ी एक मुहिम की कहानी है हिंदू मुस्लिम बगावत धर्म परिवर्तन देश को खत्म कर देने की धमकी फर्जी पासपोर्ट दूर कहीं छिपा बैठा आतंकवादी देशभक्ति फिल्म में सब कुछ है बुराक अंसारी गुलशन देव्या एक मास्टर है जो लंदन में बैठकर भी वीडियो के जरिए भारत के युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहा है और भारत के ऊपर बड़े आतंकवादी हमले का साया है ऐसे में भारत सरकार अपने सिर्फ श्रेष्ठ कमांडो कमांडो रणवीर सिंह डोगरा को यानी विद्युत जामवाल को एक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट भावना रेड्डी को लंदन जाकर आतंकवादी को ढूंढ कर लाने की जिम्मेदारी देता है लंदन में इनका संपर्क बनता है और ब्रिटिश इंटेलिजेंट की मलिक का दूत और अरमान ठाकुर के द्वारा यहाँ से शुरू होता है यहाँ चूहे बिल्ली का खेल एक और जहाँ भारतीय एजेंट बुराक को पकड़ना चाहते हैं भाई उनकी हर कदम से पहले ही बुराक की नज़र है ऐसे में चारों फिल्म इस तरह के मास्टरमाइंड तक पहुँचते हैं और भारत में होने वाले हमले को रोक पाते हैं यही है फिल्म की कहानी तो इस मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है यह मूवी आप एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिए तो अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार हमारे YouTube चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे तो दोस्तों कमांडो थ्री मूवी में आपको एक्शन और थ्रिलर का कॉमेडी का तड़का भी देखने को मिलने वाला है यह आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार ज़रूर से ज़रूर देखिएगा और बात करें इस मूवी कास्टिंग के बारे में तो इस मूवी में आपको विद्युत जाम्बाल की ज़बरदस्त एक्टिंग देखने को मिलने वाली है और यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर पसंद आने वाली है अगर आप थ्रिलर और एक्शन मूवी को एंजॉय करते हैं तो इस मूवी को भी बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है और बात करें इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटन की तो इस मूवी को रिलायंस एंटरटेनमेंट पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा क्योंकि हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर आदित्य दत्त जी के द्वारा इस मूवी को डायरेक्ट किया है तो यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करने वाली है इस मूवी को आप जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा और अब अगर आपको हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद गुड बाय हेलो दोस्तों अगर आप कमांडो थ्री मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कमांडो थ्री मूवी के बारे में तो यह मूवी किस तरह की मूवी है कहां पर देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टार कास्ट देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी से देखते रहिएगा और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर देखिएगा आइए बात करते हैं कमांडो थ्री मूवी के बारे में तो उन्तीस नवंबर 2019 को रिलीज हुई एक्शन थ्रिलर मूवी है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना कमांडो थ्री मूवी में आपको एक्शन और थ्रिलर देखने को मिलने वाला है यह मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी के आई रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को 10 में से 5.9 की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है बात करें इस मूवी के कास्टिंग के बारे में तो इस मूवी में आपको कई बड़े कलाकार अहम किरदार में नज़र आने वाले हैं जिनमें बात करें विद्युत जामवाल अदा शर्मा अंगीर आधार गुलशन देव्या और सिमरन कौर और फरेना वज़ीर कई बड़े कलाकार आपको अहम किरदार में नज़र आने वाले हैं तो इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म के बारे में तो इस मूवी को आप जी फाइव पर भी देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को आप जी फाइव पर भी जरूर से ज़रूर देख ले देख लीजिएगा बात करें इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में तो इस मूवी को हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर आदित्य दत्ता के द्वारा इस मूवी को डायरेक्ट किया गया है यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो इस मूवी की टाइम लेंथ दो घंटा तेरह मिनट के तकरीबन है यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से भी 84 प्रतिशत पसंद किया गया है जिया दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को 84 प्रतिशत गूगल यूजर्स की तरफ से भी पसंद किया गया है बात करें इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट 30 करोड़ था जिया दोस्तों सही सुना इस मूवी का बजट तीस करोड़ था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर चालीस करोड़ की धमाकेदार कमाई करी है तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी के बारे में तो इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी सनसाइन पिक्चर्स और रिलायंस एंटरटेनमेंट है तो दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो कमांडो थ्री फिल्म धर्म के नाम पर हो रहे आतंकवाद के खिलाफ छिड़ी एक मुहिम की कहानी है हिंदू मुस्लिम बगावत धर्म परिवर्तन देश को खत्म कर देने की धमकी फर्जी पासपोर्ट दूर कहीं छिपा बैठा आतंकवादी देशभक्ति फिल्म में सब कुछ है बुराक अंसारी गुलसन देवव्या एक मास्टरमाइंड है जो लंदन में बैठकर भी वीडियो के जरिए भारत के युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहा है और भारत के ऊपर बड़े आतंकवादी हमले का साया है ऐसे में भारत सरकार अपने सर्वश्रेष्ठ कमांडो कमांडो रणवीर सिंह डोगरा को यानी विद्युत जामवाल को एक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट भावना रेड्डी को लंदन जाकर आतंकवादी को ढूंढकर लाने की जिम्मेदारी देता है लंदन में इनका संपर्क बनता है और ब्रिटिश इंटेलिजेंट की मलिक का दूत और अरमान ठाकुर के द्वारा यहाँ से शुरू होता है यहाँ चूहे बिल्ली का खेल एक और जहाँ भारतीय एजेंट बुराक को पकड़ना चाहते हैं भई उनकी हर कदम से पहले ही बुराक की नज़र है ऐसे में चारों फिल्म इस तरह के मास्टरमाइंड तक पहुंचते हैं और भारत में होने वाले हमले को रोक पाते हैं यही है फ़िल्म की कहानी तो इस मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है यह मूवी आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिए तो अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार हमारे YouTube चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे तो दोस्तों कमांडो थ्री मूवी में आपको एक्शन और थ्रिलर का कॉमेडी का तड़का भी देखने को मिलने वाला है यह मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार जरूर से जरूर देखिएगा और बात करें इस मूवी कास्टिंग के बारे में तो इस मूवी में आपको विद्युत जामवाल की ज़बरदस्त एक्टिंग देखने को मिलने वाली है और यह मूवी आपको जरूर से ज़रूर पसंद आने वाली है अगर आप थ्रिलर और एक्शन मूवी को इन्जॉय करते हैं तो इस मूवी को भी बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है और बात करें इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटन की तो इस मूवी को रिलायंस एंटरटेनमेंट पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा क्योंकि हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर आदित्य दत्त जी के द्वारा इस मूवी को डायरेक्ट किया है तो यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करने वाली है इस मूवी को आप ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा और आप अगर आपको हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद गुड बाय हेलो दोस्तों अगर आप कमांडो थ्री मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कमांडो थ्री मूवी के बारे में तो यह मूवी किस तरह की मूवी है कहां पर देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टार कास्ट देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी से देखते रहिएगा और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिल्कुल बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर देखिएगा आइए बात करते हैं कमांडो थ्री मूवी के बारे में तो 29 नवंबर 2019 को रिलीज हुई एक्शन थ्रिलर मूवी है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना कमांडो थ्री मूवी में आपको एक्शन और थ्रिलर देखने को मिलने वाला है यह मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी के आई रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को दस में से फाइव की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है बात करें इस मूवी के कास्टिंग के बारे में तो इस मूवी में आपको कई बड़े कलाकार अहम किरदार में नज़र आने वाले हैं जिनमें बात करें विद्युत जामवाल अदा शर्मा अंगीराधार गुलसन देव्या और सिमरन कौर और फ़ारेना वजीर कई बड़े कलाकार आपको अहम किरदार में नज़र आने वाले हैं तो इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म के बारे में तो इस मूवी को आप जी फाइव पर भी देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को आप जी फाइव पर भी ज़रूर से ज़रूर देख ले देख लीजिएगा बात करें इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में तो इस मूवी को हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर आदित्य दत्ता के द्वारा इस मूवी को डायरेक्ट किया गया है यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो इस मूवी की टाइम लेंथ दो घंटा तेरह मिनट के तकरीबन है यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से भी 84 प्रतिशत पसंद किया गया है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को 84 प्रतिशत गूगल यूजर्स की तरफ से भी पसंद किया गया है बात करें इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट 30 करोड़ था जी हाँ दोस्तों सही सुना इस मूवी का बजट तीस करोड़ था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर चालीस करोड़ की धमाकेदार कमाई करी है तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी के बारे में तो इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी सनसाइन पिक्चर्स और रिलायंस एंटरटेनमेंट है तो दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो कमांडो थ्री फिल्म धर्म के नाम पर हो रहे आतंकवाद के खिलाफ छिड़ी एक मुहिम की कहानी है हिंदू मुस्लिम बगावत धर्म परिवर्तन देश को खत्म कर देने की धमकी फर्जी पासपोर्ट दूर कहीं छिपा बैठा आतंकवादी देशभक्ति फिल्म में सब कुछ है बुराक अंसारी गुलशन देव्यव्या एक मास्टर है जो लंदन में बैठकर भी वीडियो के जरिए भारत के युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहा है और भारत के ऊपर बड़े आतंकवादी हमले का साया है ऐसे में भारत सरकार अपने सिर्फ श्रेष्ठ कमांडो कमांडो रणवीर सिंह डोगरा को यानी विद्युत जामवाल को एक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट भावना रेड्डी को लंदन जाकर आतंकवादी को ढूंढकर लाने की जिम्मेदारी देता है लंदन में इनका संपर्क बनता है और ब्रिटिश इंटेलिजेंट की मलिक का दूत और अरमान ठाकुर के द्वारा यहाँ से शुरू होता है यहाँ चूहे बिल्ली का खेल एक और जहाँ भारतीय एजेंट बुराक को पकड़ना चाहते हैं भाई उनकी हर कदम से पहले ही बुराक की नज़र है ऐसे में चारों फिल्म इस तरह के मास्टरमाइंड तक पहुँचते हैं और भारत में होने वाले हमले को रोक पाते हैं यही है फिल्म की कहानी तो इस मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है यह मूवी आप एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिए तो अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार हमारे YouTube चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे तो दोस्तों कमांडो थ्री मूवी में आपको एक्शन और थ्रिलर का कॉमेडी का तड़का भी देखने को मिलने वाला है यह आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार जरूर से जरूर देखिएगा और बात करें इस मूवी कास्टिंग के बारे में तो इस मूवी में आपको विद्युत जाम्वाल की ज़बरदस्त एक्टिंग देखने को मिलने वाली है और यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर पसंद आने वाली है अगर आप थ्रिलर और एक्शन मूवी को एंजॉय करते हैं तो इस मूवी को भी बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है और बात करें इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटन की तो इस मूवी को रिलायंस एंटरटेनमेंट पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा क्योंकि हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर आदित्य दत्त जी के द्वारा इस मूवी को डायरेक्ट किया है तो यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करने वाली है इस मूवी को आप जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा और अब अगर आपको हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद गुड बाय हेलो दोस्तों अगर आप कमांडो थ्री मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कमांडो थ्री मूवी के बारे में तो यह मूवी किस तरह की मूवी है कहां पर देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टार कास्ट देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी से देखते रहिएगा और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर देखिएगा आइए बात करते हैं कमांडो थ्री मूवी के बारे में तो उनतीस नवंबर 2019 को रिलीज हुई एक्शन थ्रिलर मूवी है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना कमांडो थ्री मूवी में आपको एक्शन और थ्रिलर देखने को मिलने वाला है यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी के आई रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को 10 में से 5.9 की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है बात करें इस मूवी के कास्टिंग के बारे में तो इस मूवी में आपको कई बड़े कलाकार अहम किरदार में नज़र आने वाले हैं जिनमें बात करें विद्युत जाम्बाल अदा शर्मा अंगीर आधार गुलशन देव्या और सिमरन कौर और फ़ारेना वज़ीर कई बड़े कलाकार आपको अहम किरदार में नज़र आने वाले हैं तो इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म के बारे में तो इस मूवी को आप जी फाइव पर भी देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को आप जी फाइव पर भी जरूर से ज़रूर देख ले देख लीजिएगा बात करें इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में तो इस मूवी को हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर आदित्य दत्ता के द्वारा इस मूवी को डायरेक्ट किया गया है यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो इस मूवी की टाइम लेंथ दो घंटा तेरह मिनट के तकरीबन है यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से भी 84 प्रतिशत पसंद किया गया है जिया दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को 84 प्रतिशत गूगल यूजर्स की तरफ से भी पसंद किया गया है बात करें इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट 30 करोड़ था जिया दोस्तों सही सुना इस मूवी का बजट तीस करोड़ था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर चालीस करोड़ की धमाकेदार कमाई करी है तो यह मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी के बारे में तो इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी सनसाइन पिक्चर्स और रिलायंस एंटरटेनमेंट है तो दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो कमांडो थ्री फिल्म धर्म के नाम पर हो रहे आतंकवाद के खिलाफ छिड़ी एक मुहिम की कहानी है हिंदू मुस्लिम बगावत धर्म परिवर्तन देश को खत्म कर देने की धमकी फर्जी पासपोर्ट दूर कहीं छिपा बैठा आतंकवादी देशभक्ति फिल्म में सब कुछ है बुराक अंसारी गुलसन देव्याव्या एक मास्टरमाइंड है जो लंदन में बैठकर भी वीडियो के जरिए भारत के युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहा है और भारत के ऊपर बड़े आतंकवादी हमले का साया है ऐसे में भारत सरकार अपने सिर्फ श्रेष्ठ कमांडो कमांडो रणवीर सिंह डोगरा को यानी विद्युत जामवाल को एक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट भावना रेड्डी को लंदन जाकर आतंकवादी को ढूंढकर लाने की जिम्मेदारी देता है लंदन में इनका संपर्क बनता है और ब्रिटिश इंटेलिजेंट की मलिक का दूत और अरमान ठाकुर के द्वारा यहाँ से शुरू होता है यहाँ चूहे बिल्ली का खेल एक और जहाँ भारतीय एजेंट बुराक को पकड़ना चाहते हैं भाई उनकी हर कदम से पहले ही बुराक की नज़र है ऐसे में चारों फिल्म इस तरह के मास्टरमाइंड तक पहुंचते हैं और भारत में होने वाले हमले को रोक पाते हैं यही है फिल्म की कहानी तो इस मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है यह मूवी आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिए तो अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार हमारे YouTube चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे तो दोस्तों कमांडो थ्री मूवी में आपको एक्शन और थ्रिलर का कॉमेडी का तड़का भी देखने को मिलने वाला है यह मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार जरूर से जरूर देखिएगा और बात करें इस मूवी कास्टिंग के बारे में तो इस मूवी में आपको विद्युत जामवाल की ज़बरदस्त एक्टिंग देखने को मिलने वाली है और यह मूवी आपको जरूर से ज़रूर पसंद आने वाली है अगर आप थ्रिलर और एक्शन मूवी को इन्जॉय करते हैं तो इस मूवी को भी बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है और बात करें इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन की तो इस मूवी को रिलायंस एंटरटेनमेंट पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा क्योंकि हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर आदित्य दत्त जी के द्वारा इस मूवी को डायरेक्ट किया है तो यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करने वाली है इस मूवी को आप ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा और अब अगर आपको हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद गुड बाय हेलो दोस्तों अगर आप कमांडो थ्री मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कमांडो थ्री मूवी के बारे में तो यह मूवी किस तरह की मूवी है कहां पर देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टार कास्ट देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी से देखते रहिएगा और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर देखिएगा आइए बात करते हैं कमांडो थ्री मूवी के बारे में तो उन्तीस नवंबर 2019 को रिलीज हुई एक्शन थ्रिलर मूवी है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना कमांडो थ्री मूवी में आपको एक्शन और थ्रिलर देखने को मिलने वाला है यह मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी के आई रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को 10 में से 5.9 की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है बात करें इस मूवी के कास्टिंग के बारे में तो इस मूवी में आपको कई बड़े कलाकार अहम किरदार में नज़र आने वाले हैं जिनमें बात करें विद्युत जामवाल अदा शर्मा अंगीराधार गुलसन देव्या और सिमरन कौर और फरेना वजीर कई बड़े कलाकार आपको अहम किरदार में नज़र आने वाले हैं तो इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म के बारे में तो इस मूवी को आप जी फाइव पर भी देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को आप G5 पर भी ज़रूर से ज़रूर देख ले देख लीजिएगा बात करें इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में तो इस मूवी को हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर आदित्य दत्ता के द्वारा इस मूवी को डायरेक्ट किया गया है यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो इस मूवी की टाइम लेंथ दो घंटा तेरह मिनट के तकरीबन है यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से भी 84 प्रतिशत पसंद किया गया है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को 84 प्रतिशत गूगल यूजर्स की तरफ से भी पसंद किया गया है बात करें इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट तीस करोड़ था जी हाँ दोस्तों सही सुना इस मूवी का बजट तीस करोड़ था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर चालीस करोड़ की धमाकेदार कमाई करी है तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी के बारे में तो इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी सनसाइन पिक्चर्स और रिलायंस एंटरटेनमेंट है तो दोस्तों यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो कमांडो थ्री फिल्म धर्म के नाम पर हो रहे आतंकवाद के खिलाफ छिड़ी एक मुहिम की कहानी है हिंदू मुस्लिम बगावत धर्म परिवर्तन देश को खत्म कर देने की धमकी फर्जी पासपोर्ट दूर कहीं छिपा बैठा आतंकवादी देशभक्ति फिल्म में सब कुछ है बुराक अंसारी गुलशन देव्या एक मास्टरमाइंड है जो लंदन में बैठकर भी वीडियो के जरिए भारत के युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहा है और भारत के ऊपर बड़े आतंकवादी हमले का साया है ऐसे में भारत सरकार अपने सिर्फ श्रेष्ठ कमांडो कमांडो रणवीर सिंह डोगरा को यानी विद्युत जामवाल को एक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट भावना रेड्डी को लंदन जाकर आतंकवादी को ढूंढकर लाने की जिम्मेदारी देता है लंदन में इनका संपर्क बनता है और ब्रिटिश इंटेलिजेंट की मलिक का दूत और अरमान ठाकुर के द्वारा यहाँ से शुरू होता है यहाँ चूहे बिल्ली का खेल एक और जहाँ भारतीय एजेंट बुराक को पकड़ना चाहते हैं भाई उनकी हर कदम से पहले ही बुराक की नज़र है ऐसे में चारों फिल्म इस तरह के मास्टरमाइंड तक पहुँचते हैं और भारत में होने वाले हमले को रोक पाते हैं यही है फिल्म की कहानी तो इस मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है यह मूवी आप एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिए तो अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार हमारे YouTube चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे तो दोस्त कमांडो थ्री मूवी में आपको एक्शन और थ्रिलर का कॉमेडी का तड़का भी देखने को मिलने वाला है यह आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार जरूर से जरूर देखिएगा और बात करें इस मूवी कास्टिंग के बारे में तो इस मूवी में आपको विद्युत जाम्वाल की ज़बरदस्त एक्टिंग देखने को मिलने वाली है और यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर पसंद आने वाली है अगर आप थ्रिलर और एक्शन मूवी को एंजॉय करते हैं तो इस मूवी को भी बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है और बात करें इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटन की तो इस मूवी को रिलायंस एंटरटेनमेंट पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा क्योंकि हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर आदित्य दत्त जी के द्वारा इस मूवी को डायरेक्ट किया है तो यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करने वाली है इस मूवी को आप ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा और अब अगर आपको हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद गुड बाय हेलो दोस्तों अगर आप कमांडो थ्री मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कमांडो थ्री मूवी के बारे में तो यह मूवी किस तरह की मूवी है कहां पर देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टार कास्ट देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी से देखते रहिएगा और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर देखिएगा आइए बात करते हैं कमांडो थ्री मूवी के बारे में तो उनतीस नवंबर 2019 को रिलीज हुई एक्शन थ्रिलर मूवी है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना कमांडो थ्री मूवी में आपको एक्शन और थ्रिलर देखने को मिलने वाला है यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी के आई रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को 10 में से 5.9 की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है बात करें इस मूवी के कास्टिंग के बारे में तो इस मूवी में आपको कई बड़े कलाकार अहम किरदार में नज़र आने वाले हैं जिनमें बात करें विद्युत जामवाल अदा शर्मा अंगीर आधार गुलशन देव्या और सिमरन कौर और फरेना वज़ीर कई बड़े कलाकार आपको अहम किरदार में नज़र आने वाले हैं तो इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म के बारे में तो इस मूवी को आप जी फाइव पर भी देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को आप G5 पर भी जरूर से जरूर देख ले देख लीजिएगा बात करें इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में तो इस मूवी को हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर आदित्य आदि दत्ता के द्वारा इस मूवी को डायरेक्ट किया गया है यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो इस मूवी की टाइम लेंथ दो घंटा तेरह मिनट के तकरीबन है यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से भी 84 प्रतिशत पसंद किया गया है जी जिया दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को 84 प्रतिशत गूगल यूजर्स की तरफ से भी पसंद किया गया है बात करें इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट 30 करोड़ था जी जिया दोस्तों सही सुना इस मूवी का बजट तीस करोड़ था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर चालीस करोड़ की धमाकेदार कमाई करी है तो यह मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी के बारे में तो इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी सनसाइन पिक्चर्स और रिलायंस एंटरटेनमेंट है तो दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो कमांडो थ्री फिल्म धर्म के नाम पर हो रहे आतंकवाद के खिलाफ छिड़ी एक मुहिम की कहानी है हिंदू मुस्लिम बगावत धर्म परिवर्तन देश को खत्म कर देने की धमकी फर्जी पासपोर्ट दूर कहीं छिपा बैठा आतंकवादी देशभक्ति फिल्म में सब कुछ है बुराक अंसारी गुलसन देवव्या एक मास्टरमाइंड है जो लंदन में बैठकर भी वीडियो के जरिए भारत के युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहा है और भारत के ऊपर बड़े आतंकवादी हमले का साया है ऐसे में भारत सरकार अपने सर्वश्रेष्ठ कमांडो कमांडो रणवीर सिंह डोगरा को यानी विद्युत जामवाल को एक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट भावना रेड्डी को लंदन जाकर आतंकवादी को ढूंढकर लाने की जिम्मेदारी देता है लंदन में इनका संपर्क बनता है और ब्रिटिश इंटेलिजेंट की मलिक का दूत और अरमान ठाकुर के द्वारा यहाँ से शुरू होता है यहाँ चूहे बिल्ली का खेल एक और जहाँ भारतीय एजेंट बुराक को पकड़ना चाहते हैं भई उनकी हर कदम से पहले ही बुराक की नज़र है ऐसे में चारों फिल्म इस तरह के मास्टरमाइंड तक पहुंचते हैं और भारत में होने वाले हमले को रोक पाते हैं यही है फ़िल्म की कहानी तो इस मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है यह मूवी आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिए तो अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार हमारे YouTube चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे तो दोस्तों कमांडो थ्री मूवी में आपको एक्शन और थ्रिलर का कॉमेडी का तड़का भी देखने को मिलने वाला है यह मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार जरूर से जरूर देखिएगा और बात करें इस मूवी कास्टिंग के बारे में तो इस मूवी में आपको विद्युत जामवाल की ज़बरदस्त एक्टिंग देखने को मिलने वाली है और यह मूवी आपको जरूर से ज़रूर पसंद आने वाली है अगर आप थ्रिलर और एक्शन मूवी को इन्जॉय करते हैं तो इस मूवी को भी बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है और बात करें इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटन की तो इस मूवी को रिलायंस एंटरटेनमेंट पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा क्योंकि हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर आदित्य दत्त जी के द्वारा इस मूवी को डायरेक्ट किया है तो यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करने वाली है इस मूवी को आप ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा और अब अगर आपको हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद गुड बाय हेलो दोस्तों अगर आप कमांडो थ्री मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कमांडो थ्री मूवी के बारे में तो यह मूवी किस तरह की मूवी है कहां पर देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टार कास्ट देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी से देखते रहिएगा और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर देखिएगा आइए बात करते हैं कमांडो थ्री मूवी के बारे में तो उन्तीस नवंबर 2019 को रिलीज हुई एक्शन थ्रिलर मूवी है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना कमांडो थ्री मूवी में आपको एक्शन और थ्रिलर देखने को मिलने वाला है यह मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी की आई रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को 10 में से 5.9 की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है बात करें इस मूवी के कास्टिंग के बारे में तो इस मूवी में आपको कई बड़े कलाकार अहम किरदार में नज़र आने वाले हैं जिनमें बात करें विद्युत जामवाल अदा शर्मा अंगीराधार गुलसन देव्या और सिमरन कौर और फारेना वजीर कई बड़े कलाकार आपको अहम किरदार में नज़र आने वाले हैं तो इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म के बारे में तो इस मूवी को आप जी फाइव पर भी देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को आप G5 पर भी जरूर से जरूर देख ले देख लीजिएगा बात करें इस मूवी के डायरेक्टर के, के बारे में तो इस मूवी को हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर आदित्य आदित्य दत्ता के द्वारा इस मूवी को डायरेक्ट किया गया है यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो इस मूवी की टाइम लेंथ दो घंटा तेरह मिनट के तकरीबन है यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से भी 84 प्रतिशत पसंद किया गया है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को 84 प्रतिशत गूगल यूजर्स की तरफ से भी पसंद किया गया है बात करें इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट 30 करोड़ था जी हाँ दोस्तों सही सुना इस मूवी का बजट तीस करोड़ था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर चालीस करोड़ की धमाकेदार कमाई करी है तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी के बारे में तो इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी सनसाइन पिक्चर्स और रिलायंस एंटरटेनमेंट है तो दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो कमांडो थ्री फिल्म धर्म के नाम पर हो रहे आतंकवाद के खिलाफ छिड़ी एक मुहिम की कहानी है हिंदू मुस्लिम बगावत धर्म परिवर्तन देश को खत्म कर देने की धमकी फर्जी पासपोर्ट दूर कहीं छिपा बैठा आतंकवादी देशभक्ति फिल्म में सब कुछ है बुराक अंसारी गुलशन देव्या एक मास्टरमाइंड है जो लंदन में बैठकर भी वीडियो के जरिए भारत के युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहा है और भारत के ऊपर बड़े आतंकवादी हमले का साया है ऐसे में भारत सरकार अपने सिर्फ श्रेष्ठ कमांडो कमांडो रणवीर सिंह डोगरा को यानी विद्युत जामवाल को एक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट भावना रेड्डी को लंदन जाकर आतंकवादी को ढूंढकर लाने की जिम्मेदारी देता है लंदन में इनका संपर्क बनता है और ब्रिटिश इंटेलिजेंट की मलिक का दूत और अरमान ठाकुर के द्वारा यहाँ से शुरू होता है यहाँ चूहे बिल्ली का खेल एक और जहाँ भारतीय एजेंट बुराक को पकड़ना चाहते हैं भाई उनकी हर कदम से पहले ही बुराक की नज़र है ऐसे में चारों फिल्म इस तरह के मास्टरमाइंड तक पहुँचते हैं और भारत में होने वाले हमले को रोक पाते हैं यही है फिल्म की कहानी तो इस मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है यह मूवी आप एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिए तो अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार हमारे YouTube चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे तो दोस्त कमांडो थ्री मूवी में आपको एक्शन और थ्रिलर का कॉमेडी का तड़का भी देखने को मिलने वाला है यह आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार जरूर से जरूर देखिएगा और बात करें इस मूवी कास्टिंग के बारे में तो इस मूवी में आपको विद्युत जाम्वाल की ज़बरदस्त एक्टिंग देखने को मिलने वाली है और यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर पसंद आने वाली है अगर आप थ्रिलर और एक्शन मूवी को एंजॉय करते हैं तो इस मूवी को भी बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है और बात करें इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटन की तो इस मूवी को रिलायंस एंटरटेनमेंट पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा क्योंकि हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर आदित्य दत्त जी के द्वारा इस मूवी को डायरेक्ट किया है तो यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करने वाली है इस मूवी को आप ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा और अब अगर आपको हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद गुड बाय हेलो दोस्तों अगर आप कमांडो थ्री मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कमांडो थ्री मूवी के बारे में तो यह मूवी किस तरह की मूवी है कहां पर देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टार कास्ट देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी से देखते रहिएगा और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर देखिएगा आइए बात करते हैं कमांडो थ्री मूवी के बारे में तो उन्तीस नवंबर 2019 को रिलीज हुई एक्शन थ्रिलर मूवी है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना कमांडो थ्री मूवी में आपको एक्शन और थ्रिलर देखने को मिलने वाला है यह मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी के आई रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को दस में से फाइव पॉइंट नाइन की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है बात करें इस मूवी के कास्टिंग के बारे में तो इस मूवी में आपको कई बड़े कलाकार अहम किरदार में नज़र आने वाले हैं जिनमें बात करें विद्युत जामवाल अदा शर्मा अंगीराधार गुलशन देव्या और सिमरन कौर और फरेना वज़ीर कई बड़े कलाकार आपको अहम किरदार में नज़र आने वाले हैं तो इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म के बारे में तो इस मूवी को आप G5 पर भी देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को आप G5 पर भी जरूर से ज़रूर देख ले देख लीजिएगा बात करें इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में तो इस मूवी को हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर आदित्य आदित दत्ता के द्वारा इस मूवी को डायरेक्ट किया गया है यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है बात तो करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो इस मूवी की टाइम लेंथ दो घंटा तेरह मिनट के तकरीबन है यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से भी 84 प्रतिशत पसंद किया गया है जिया दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को 84 प्रतिशत गूगल यूजर्स की तरफ से भी पसंद किया गया है बात करें इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट 30 करोड़ था जी हाँ दोस्तों सही सुना इस मूवी का बजट तीस करोड़ था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर चालीस करोड़ की धमाकेदार कमाई करी है तो यह मूवी आपको काफ़ी ज्यादा पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी के बारे में तो इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी सनसाइन पिक्चर्स और रिलायंस एंटरटेनमेंट है तो दोस्तों यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो कमांडो थ्री फिल्म धर्म के नाम पर हो रहे आतंकवाद के खिलाफ छिड़ी एक मुहिम की कहानी है हिंदू मुस्लिम बगावत धर्म परिवर्तन देश को खत्म कर देने की धमकी फर्जी पासपोर्ट दूर कहीं छिपा बैठा आतंकवादी देशभक्ति फिल्म में सब कुछ है अंसारी गुलशन देव्यव्या एक मास्टर है जो लंदन में बैठ भी वीडियो के जरिए भारत के युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहा है और भारत के ऊपर बड़े आतंकवादी हमले का साया है ऐसे में भारत सरकार अपने सिर्फ श्रेष्ठ कमांड कमांडो रणवीर सिंह डोगरा को यानी विद्युत जामवाल को एक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट भावना रेड्डी को लंदन जाकर आतंकवादी को ढूंढकर लाने की जिम्मेदारी देता है लंदन में इनका संपर्क बनता है और ब्रिटिश इंटेलिजेंट की मलिक का दूत और अरमान ठाकुर के द्वारा यहाँ से शुरू होता है यहाँ चूहे बिल्ली का खेल एक और जहाँ भारतीय एजेंट बुराक को पकड़ना चाहते हैं भाई उनकी हर कदम से पहले ही बुराक की नज़र है ऐसे में चारों फिल्म इस तरह के मास्टरमाइंड तक पहुँचते हैं और भारत में होने वाले हमले को रोक पाते हैं यही है फिल्म की कहानी तो इस मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है यह मूवी आप एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिए तो अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार हमारे YouTube चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे तो दोस्तों कमांडो थ्री मूवी में आपको एक्शन और थ्रिलर का कॉमेडी का तड़का भी देखने को मिलने वाला है यह आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार जरूर से जरूर देखिएगा और बात करें इस मूवी कास्टिंग के बारे में तो इस मूवी में आपको विद्युत जामवाल की ज़बरदस्त एक्टिंग देखने को मिलने वाली है और यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर पसंद आने वाली है अगर आप थ्रिलर और एक्शन मूवी को एंजॉय करते हैं तो इस मूवी को भी बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है और बात करें इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटन की तो इस मूवी को रिलायंस एंटरटेनमेंट पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा क्योंकि हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर आदित्य दत्त जी के द्वारा इस मूवी को डायरेक्ट किया है तो यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करने वाली है इस मूवी को आप ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा और अब अगर आपको हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद गुड बाय हेलो दोस्तों अगर आप कमांडो थ्री मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कमांडो थ्री मूवी के बारे में तो यह मूवी किस तरह की मूवी है कहाँ पर देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टार कास्ट देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी से देखते रहिएगा और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर देखिएगा आइए बात करते हैं कमांडो थ्री मूवी के बारे में तो 29 नवंबर 2019 को रिलीज़ हुई एक्शन थ्रिलर मूवी है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना कमांडो थ्री मूवी में आपको एक्शन और थ्रिलर देखने को मिलने वाला है यह मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी के आई रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को 10 में से 5.9 की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है बात करें इस मूवी के कास्टिंग के बारे में तो इस मूवी में आपको कई बड़े कलाकार अहम किरदार में नज़र आने वाले हैं जिनमें बात करें विद्युत जामवाल अदा शर्मा अंगीराधार गुलसन देव्या और सिमरन कौर और फरेना वजीर कई बड़े कलाकार आपको अहम किरदार में नज़र आने वाले हैं तो इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म के बारे में तो इस मूवी को आप जी फाइव पर भी देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को आप जी फाइव पर भी ज़रूर से ज़रूर देख ले देख लीजिएगा बात करें इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में तो इस मूवी को हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर आदित्य दत्ता के द्वारा इस मूवी को डायरेक्ट किया गया है यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो इस मूवी की टाइम लेंथ दो घंटा तेरह मिनट के तकरीबन है यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से भी 84 प्रतिशत पसंद किया गया है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को 84 प्रतिशत गूगल यूजर्स की तरफ से भी पसंद किया गया है बात करें इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट 30 करोड़ था जी हाँ दोस्तों सही सुना इस मूवी का बजट तीस करोड़ था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर चालीस करोड़ की धमाकेदार कमाई करी है तो यह मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी के बारे में तो इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी सनसाइन पिक्चर्स और रिलायंस एंटरटेनमेंट है तो दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो कमांडो थ्री फिल्म धर्म के नाम पर हो रहे आतंकवाद के खिलाफ छिड़ी एक मुहिम की कहानी है हिंदू मुस्लिम बगावत धर्म परिवर्तन देश को खत्म कर देने की धमकी फर्जी पासपोर्ट दूर कहीं छिपा बैठा आतंकवादी भक्ति फिल्म में सब कुछ है बुराक अंसारी गुलसन देवव्या एक मास्टरमाइंड है जो लंदन में बैठकर भी वीडियो के जरिए भारत के युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहा है और भारत के ऊपर बड़े आतंकवादी हमले का साया है ऐसे में भारत सरकार अपने सर्वश्रेष्ठ कमांडो कमांडो रणवीर सिंह डोगरा को यानी विद्युत जामवाल को एक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट भावना रेड्डी को लंदन जाकर आतंकवादी को ढूंढकर लाने की जिम्मेदारी देता है लंदन में इनका संपर्क बनता है और ब्रिटिश इंटेलिजेंट की मलिक का दूत और अरमान ठाकुर के द्वारा यहाँ से शुरू होता है यहाँ चूहे बिल्ली का खेल एक और जहाँ भारतीय एजेंट बुराक को पकड़ना चाहते हैं भाई उनकी हर कदम से पहले ही बुराक की नज़र है ऐसे में चारों फिल्म इस तरह के मास्टरमाइंड तक पहुंचते हैं और भारत में होने वाले हमले को रोक पाते हैं यही है फिल्म की कहानी तो इस मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है यह मूवी आप एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिए तो अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार हमारे YouTube चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे तो दोस्त कमांडो थ्री मूवी में आपको एक्शन और थ्रिलर का कॉमेडी का तड़का भी देखने को मिलने वाला है यह मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार जरूर से जरूर देखिएगा और बात करें इस मूवी कास्टिंग के बारे में तो इस मूवी में आपको विद्युत जामवाल की ज़बरदस्त एक्टिंग देखने को मिलने वाली है और यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है अगर आप थ्रिलर और एक्शन मूवी को इन्जॉय करते हैं तो इस मूवी को भी बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है और बात करें इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटन की तो इस मूवी को रिलायंस एंटरटेनमेंट पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा क्योंकि हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर आदित्य दत्त जी के द्वारा इस मूवी को डायरेक्ट किया है तो यह मूवी आपको जरूर से ज़रूर इन्जॉय करने वाली है इस मूवी को आप जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा और अब अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद गुड बाय हेलो दोस्तों अगर आप कमांडो थ्री मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कमांडो थ्री मूवी के बारे में तो यह मूवी किस तरह की मूवी है कहां पर देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टार कास्ट देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी से देखते रहिएगा और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर देखिएगा आइए बात करते हैं कमांडो थ्री मूवी के बारे में तो 29 नवंबर 2019 को रिलीज हुई एक्शन थ्रिलर मूवी है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना कमांडो थ्री मूवी में आपको एक्शन और थ्रिलर देखने को मिलने वाला है यह मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी के आई रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को 10 में से 5.9 की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है बात करें इस मूवी के कास्टिंग के बारे में तो इस मूवी में आपको कई बड़े कलाकार अहम किरदार में नज़र आने वाले हैं जिनमें बात करें विद्युत जामवाल अदा शर्मा अंगीराधार गुलसन देव्या और सिमरन कौर और फरेना वज़ीर कई बड़े कलाकार आपको अहम किरदार में नज़र आने वाले हैं तो इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म के बारे में तो इस मूवी को आप जी फाइव पर भी देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को आप जी फाइव पर भी जरूर से ज़रूर देख ले देख लीजिएगा बात करें इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में तो इस मूवी को हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर आद, आदित्य दत्ता के द्वारा इस मूवी को डायरेक्ट किया गया है तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो इस मूवी की टाइम लेंथ दो घंटा तेरह मिनट के तकरीबन है यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से भी 84 प्रतिशत पसंद किया गया है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को 84 प्रतिशत गूगल यूजर्स की तरफ से भी पसंद किया गया है बात करें इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट 30 करोड़ था जी हाँ दोस्तों सही सुना इस मूवी का बजट तीस करोड़ था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर चालीस करोड़ की धमाकेदार कमाई करी है तो यह मूवी आपको काफ़ी ज्यादा पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी के बारे में तो इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी सनसाइन पिक्चर्स और रिलायंस एंटरटेनमेंट है तो दोस्तों यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो कमांडो थ्री फिल्म धर्म के नाम पर हो रहे आतंकवाद के खिलाफ छिड़ी एक मुहिम की कहानी है हिंदू मुस्लिम बगावत धर्म परिवर्तन देश को खत्म कर देने की धमकी फर्जी पासपोर्ट दूर कहीं छिपा बैठा आतंकवादी देशभक्ति फिल्म में सब कुछ है अंसारी गुलशन देव्या एक मास्टर है जो लंदन में बैठ भी वीडियो के जरिए भारत के युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहा है और भारत के ऊपर बड़े आतंकवादी हमले का साया है ऐसे में भारत सरकार अपने सिर्फ श्रेष्ठ कमांड कमांडो रणवीर सिंह डोगरा को यानी विद्युत जामवाल को एक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट भावना रेड्डी को लंदन जाकर आतंकवादी को ढूंढकर लाने की जिम्मेदारी देता है लंदन में इनका संपर्क बनता है और ब्रिटिश इंटेलिजेंट की मलिक का दूत और अरमान ठाकुर के द्वारा यहाँ से शुरू होता है यहाँ चूहे बिल्ली का खेल एक और जहाँ भारतीय एजेंट बुराक को पकड़ना चाहते हैं भाई उनकी हर कदम से पहले ही बुराक की नज़र है ऐसे में चारों फिल्म इस तरह के मास्टरमाइंड तक पहुँचते हैं और भारत में होने वाले हमले को रोक पाते हैं यही है फिल्म की कहानी तो इस मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है यह मूवी आप एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिए तो अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे तो दोस्तों कमांडो थ्री मूवी में आपको एक्शन और थ्रिलर का कॉमेडी का तड़का भी देखने को मिलने वाला है यह आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार जरूर से जरूर देखिएगा और बात करें इस मूवी कास्टिंग के बारे में तो इस मूवी में आपको विद्युत जामवाल की ज़बरदस्त एक्टिंग देखने को मिलने वाली है और यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर पसंद आने वाली है अगर आप थ्रिलर और एक्शन मूवी को एंजॉय करते हैं तो इस मूवी को भी बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है और बात करें इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटन की तो इस मूवी को रिलायंस एंटरटेनमेंट पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा क्योंकि हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर आदित्य दत्त जी के द्वारा इस मूवी को डायरेक्ट किया है तो यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करने वाली है इस मूवी को आप ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा और अब अगर आपको हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद गुड बाय हेलो दोस्तों अगर आप कमांडो थ्री मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कमांडो थ्री मूवी के बारे में तो यह मूवी किस तरह की मूवी है कहां पर देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टार कास्ट देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी से देखते रहिएगा और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर देखिएगा आइए बात करते हैं कमांडो थ्री मूवी के बारे में तो उन्तीस नवंबर 2019 को रिलीज हुई एक्शन थ्रिलर मूवी है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना कमांडो थ्री मूवी में आपको एक्शन और थ्रिलर देखने को मिलने वाला है यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी के आई रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को 10 में से 5.9 की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है बात करें इस मूवी के कास्टिंग के बारे में तो इस मूवी में आपको कई बड़े कलाकार अहम किरदार में नज़र आने वाले हैं जिनमें बात करें विद्युत जाम्बाल अदा शर्मा अंगीराधार गुलसन देव्या और सिमरन कौर और फ़रेना वजीर कई बड़े कलाकार आपको अहम किरदार में नज़र आने वाले हैं तो इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म के बारे में तो इस मूवी को आप जी फाइव पर भी देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को आप जी फाइव पर भी ज़रूर से ज़रूर देख ले देख लीजिएगा बात करें इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में तो इस मूवी को हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर आदित्य दत्ता के द्वारा इस मूवी को डायरेक्ट किया गया है यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो इस मूवी की टाइम लेंथ दो घंटा तेरह मिनट के तकरीबन है यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से भी 84 प्रतिशत पसंद किया गया है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को 84 प्रतिशत गूगल यूजर्स की तरफ से भी पसंद किया गया है बात करें इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट 30 करोड़ था जी हाँ दोस्तों सही सुना इस मूवी का बजट तीस करोड़ था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर चालीस करोड़ की धमाकेदार कमाई करी है तो यह मूवी आपको काफ़ी ज्यादा पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी के बारे में तो इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी सनसाइन पिक्चर्स और रिलायंस एंटरटेनमेंट है तो दोस्तों यह मूवी आपको काफ़ी ज्यादा पसंद आने वाली है इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो कमांडो थ्री फिल्म धर्म के नाम पर हो रहे आतंकवाद के खिलाफ छिड़ी एक मुहिम की कहानी है हिंदू मुस्लिम बगावत धर्म परिवर्तन देश को खत्म कर देने की धमकी फर्जी पासपोर्ट दूर कहीं छिपा बैठा आतंकवादी देश फिल्म में सब कुछ है बुराक अंसारी गुलसन देवव्या एक मास्टरमाइंड है जो लंदन में बैठकर भी वीडियो के जरिए भारत के युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहा है और भारत के ऊपर बड़े आतंकवादी हमले का साया है ऐसे में भारत सरकार अपने सर्वश्रेष्ठ कमांडो कमांडो रणवीर सिंह डोगरा को यानी विद्युत जामवाल को एक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट भावना रेड्डी को लंदन जाकर आतंकवादी को ढूंढकर लाने की जिम्मेदारी देता है लंदन में इनका संपर्क बनता है और ब्रिटिश इंटेलिजेंट की मलिक का दूत और अरमान ठाकुर के द्वारा यहाँ से शुरू होता है यहाँ चूहे बिल्ली का खेल एक और जहाँ भारतीय एजेंट बुराक को पकड़ना चाहते हैं वहीं उनकी हर कदम से पहले ही बुराक की नज़र है ऐसे में चारों फिल्म इस तरह के मास्टरमाइंड तक पहुंचते हैं और भारत में होने वाले हमले को रोक पाते हैं यही है फिल्म की कहानी तो इस मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है यह मूवी आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिए तो अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे तो दोस्तों कमांडो थ्री मूवी में आपको एक्शन और थ्रिलर का कॉमेडी का तड़का भी देखने को मिलने वाला है यह मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार जरूर से जरूर देखिएगा और बात करें इस मूवी कास्टिंग के बारे में तो इस मूवी में आपको विद्युत जामवाल की ज़बरदस्त एक्टिंग देखने को मिलने वाली है और यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है अगर आप थ्रिलर और एक्शन मूवी को एंजॉय करते हैं तो इस मूवी को भी बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है और बात करें इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन की तो इस मूवी को रिलायंस एंटरटेनमेंट पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा क्योंकि हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर आदित्य दत्त जी के द्वारा इस मूवी को डायरेक्ट किया है तो यह मूवी आपको जरूर से ज़रूर इन्जॉय करने वाली है इस मूवी को आप ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा और अब अगर आपको हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद गुड बाय हेलो दोस्तों अगर आप कमांडो थ्री मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कमांडो थ्री मूवी के बारे में तो यह मूवी किस तरह की मूवी है कहां पर देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टार कास्ट देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी से देखते रहिएगा और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर देखिएगा आइए बात करते हैं कमांडो थ्री मूवी के बारे में तो उन्तीस नवंबर 2019 को रिलीज़ हुई एक्शन थ्रिलर मूवी है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना कमांडो थ्री मूवी में आपको एक्शन और थ्रिलर देखने को मिलने वाला है यह मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी के आई रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को 10 में से 5.9 की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है बात करें इस मूवी के कास्टिंग के बारे में तो इस मूवी में आपको कई बड़े कलाकार अहम किरदार में नज़र आने वाले हैं जिनमें बात करें विद्युत जामवाल अदा शर्मा अंगीराधार गुलसन देव्या और सिमरन कौर और फारेना वजीर कई बड़े कलाकार आपको अहम किरदार में नज़र आने वाले हैं तो इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म के बारे में तो इस मूवी को आप जी फाइव पर भी देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को आप G5 पर भी जरूर से ज़रूर देख ले देख लीजिएगा बात करें इस मूवी के डायरेक्टर के, के बारे में तो इस मूवी को हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर आदित्य आदित्य दत्ता के द्वारा इस मूवी को डायरेक्ट किया गया है यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो इस मूवी की टाइम लेंथ दो घंटा तेरह मिनट के तकरीबन है यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से भी 84 प्रतिशत पसंद किया गया है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को 84 प्रतिशत गूगल यूजर्स की तरफ से भी पसंद किया गया है बात करें इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट 30 करोड़ था जी हाँ दोस्तों सही सुना इस मूवी का बजट तीस करोड़ था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर चालीस करोड़ की धमाकेदार कमाई करी है तो यह मूवी आपको काफ़ी ज्यादा पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी के बारे में तो इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी सनसाइन पिक्चर्स और रिलायंस एंटरटेनमेंट है तो दोस्तों यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो कमांडो थ्री फिल्म धर्म के नाम पर हो रहे आतंकवाद के खिलाफ छिड़ी एक मुहिम की कहानी है हिंदू मुस्लिम बगावत धर्म परिवर्तन देश को खत्म कर देने की धमकी फर्जी पासपोर्ट दूर कहीं छिपा बैठा आतंकवादी देशभक्ति फिल्म में सब कुछ है बुराक अंसारी गुलशन देव्या एक मास्टर है जो लंदन में बैठ भी वीडियो के जरिए भारत के युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहा है और भारत के ऊपर बड़े आतंकवादी हमले का साया है ऐसे में भारत सरकार अपने सिर्फ श्रेष्ठ कमांडो कमांडो रणवीर सिंह डोगरा को यानी विद्युत जामवाल को एक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट भावना रेड्डी को लंदन जाकर आतंकवादी को ढूंढकर लाने की जिम्मेदारी देता है लंदन में इनका संपर्क बनता है और ब्रिटिश इंटेलिजेंट की मलिक का दूत और अरमान ठाकुर के द्वारा यहाँ से शुरू होता है यहाँ चूहे बिल्ली का खेल एक और जहाँ भारतीय एजेंट बुराक को पकड़ना चाहते हैं भाई उनकी हर कदम से पहले ही बुराक की नज़र है ऐसे में चारों फिल्म इस तरह के मास्टरमाइंड तक पहुँचते हैं और भारत में होने वाले हमले को रोक पाते हैं यही है फिल्म की कहानी तो इस मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है यह मूवी आप एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिए तो अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे तो दोस्तों कमांडो थ्री मूवी में आपको एक्शन और थ्रिलर का कॉमेडी का तड़का भी देखने को मिलने वाला है यह आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार जरूर से ज़रूर देखिएगा और बात करें इस मूवी कास्टिंग के बारे में तो इस मूवी में आपको विद्युत जाम्वाल की ज़बरदस्त एक्टिंग देखने को मिलने वाली है और यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर पसंद आने वाली है अगर आप थ्रिलर और एक्शन मूवी को एंजॉय करते हैं तो इस मूवी को भी बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है और बात करें इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटन की तो इस मूवी को रिलायंस एंटरटेनमेंट पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा क्योंकि हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर आदित्य दत्त जी के द्वारा इस मूवी को डायरेक्ट किया है तो यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करने वाली है इस मूवी को आप ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा और अब अगर आपको हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद गुड बाय हेलो दोस्तों अगर आप कमांडो थ्री मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कमांडो थ्री मूवी के बारे में तो यह मूवी किस तरह की मूवी है कहां पर देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टार कास्ट देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी से देखते रहिएगा और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर देखिएगा आइए बात करते हैं कमांडो थ्री मूवी के बारे में तो उन्तीस नवंबर 2019 को रिलीज हुई एक्शन थ्रिलर मूवी है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना कमांडो थ्री मूवी में आपको एक्शन और थ्रिलर देखने को मिलने वाला है यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी के आई रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को 10 में से 5.9 की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है बात करें इस मूवी के कास्टिंग के बारे में तो इस मूवी में आपको कई बड़े कलाकार अहम किरदार में नज़र आने वाले हैं जिनमें बात करें विद्युत जाम्बाल अदा शर्मा अंगीराधार गुलशन देव्या और सिमरन कौर और फ़ारेना वज़ीर कई बड़े कलाकार आपको अहम किरदार में नज़र आने वाले हैं तो इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म के बारे में तो इस मूवी को आप जी फाइव पर भी देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को आप जी फाइव पर भी ज़रूर से ज़रूर देख ले देख लीजिएगा बात करें इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में तो इस मूवी को हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर आदित्य आदित दत्ता के द्वारा इस मूवी को डायरेक्ट किया गया है यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो इस, तो इस मूवी की टाइम लेंथ दो घंटा तेरह मिनट के तकरीबन है यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से भी 84 प्रतिशत पसंद किया गया है जी जिया दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को 84 प्रतिशत गूगल यूजर्स की तरफ से भी पसंद किया गया है बात करें इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट तीस करोड़ था जी जिया दोस्तों सही सुना इस मूवी का बजट तीस करोड़ था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर चालीस करोड़ की धमाकेदार कमाई करी है तो यह मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी के बारे में तो इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी सनसाइन पिक्चर्स और रिलायंस एंटरटेनमेंट है तो दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो कमांडो थ्री फिल्म धर्म के नाम पर हो रहे आतंकवाद के खिलाफ छिड़ी एक मुहिम की कहानी है हिंदू मुस्लिम बगावत धर्म परिवर्तन देश को खत्म कर देने की धमकी फर्जी पासपोर्ट दूर कहीं छिपा बैठा आतंकवादी देश फिल्म में सब कुछ है बुराक अंसारी गुलसन देवव्या एक मास्टरमाइंड है जो लंदन में बैठकर भी वीडियो के जरिए भारत के युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहा है और भारत के ऊपर बड़े आतंकवादी हमले का साया है ऐसे में भारत सरकार अपने सर्वश्रेष्ठ कमांडो कमांडो रणवीर सिंह डोगरा को यानी विद्युत जामवाल को एक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट भावना रेड्डी को लंदन जाकर आतंकवादी को ढूंढकर लाने की जिम्मेदारी देता है लंदन में इनका संपर्क बनता है और ब्रिटिश इंटेलिजेंट की मलिक का दूत और अरमान ठाकुर के द्वारा यहाँ से शुरू होता है यहाँ चूहे बिल्ली का खेल एक और जहाँ भारतीय एजेंट बुराक को पकड़ना चाहते हैं भाई उनकी हर कदम से पहले ही बुराक की नज़र है ऐसे में चारों फिल्म इस तरह के मास्टरमाइंड तक पहुंचते हैं और भारत में होने वाले हमले को रोक पाते हैं यही है फिल्म की कहानी तो इस मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है यह मूवी आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिए तो अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार हमारे YouTube चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे तो दोस्तों कमांडो थ्री मूवी में आपको एक्शन और थ्रिलर का कॉमेडी का तड़का भी देखने को मिलने वाला है यह मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार जरूर से जरूर देखिएगा और बात करें इस मूवी कास्टिंग के बारे में तो इस मूवी में आपको विद्युत जामवाल की ज़बरदस्त एक्टिंग देखने को मिलने वाली है और यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है अगर आप थ्रिलर और एक्शन मूवी को एंजॉय करते हैं तो इस मूवी को भी बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है और बात करें इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन की तो इस मूवी को रिलायंस एंटरटेनमेंट पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा क्योंकि हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर आदित्य दत्त जी के द्वारा इस मूवी को डायरेक्ट किया है तो यह मूवी आपको जरूर से ज़रूर इन्जॉय करने वाली है इस मूवी को आप ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा और अब अगर आपको हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद गुड बाय हेलो दोस्तों अगर आप कमांडो थ्री मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कमांडो थ्री मूवी के बारे में तो यह मूवी किस तरह की मूवी है कहां पर देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टार कास्ट देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी से देखते रहिएगा और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर देखिएगा आइए बात करते हैं कमांडो थ्री मूवी के बारे में तो उन्तीस नवंबर 2019 को रिलीज हुई एक्शन थ्रिलर मूवी है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना कमांडो थ्री मूवी में आपको एक्शन और थ्रिलर देखने को मिलने वाला है यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी के आई रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को दस में से फाइव की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है बात करें इस मूवी के कास्टिंग के बारे में तो इस मूवी में आपको कई बड़े कलाकार अहम किरदार में नज़र आने वाले हैं जिनमें बात करें विद्युत जामवाल अदा शर्मा अंगीराधार गुलसन देव्या और सिमरन कौर और फरेना वजीर कई बड़े कलाकार आपको अहम किरदार में नज़र आने वाले हैं तो इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म के बारे में तो इस मूवी को आप जी फाइव पर भी देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को आप G5 पर भी जरूर से ज़रूर देख ले देख लीजिएगा बात करें इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में तो इस मूवी को हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर आदित्य आदित्य दत्ता के द्वारा इस मूवी को डायरेक्ट किया गया है यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो इस मूवी की टाइम लेंथ दो घंटा तेरह मिनट के तकरीबन है यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से भी 84 प्रतिशत पसंद किया गया है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को 84 प्रतिशत गूगल यूजर्स की तरफ से भी पसंद किया गया है बात करें इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट 30 करोड़ था जी हाँ दोस्तों सही सुना इस मूवी का बजट तीस करोड़ था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर चालीस करोड़ की धमाकेदार कमाई करी है तो यह मूवी आपको काफ़ी ज्यादा पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी के बारे में तो इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी सनसाइन पिक्चर्स और रिलायंस एंटरटेनमेंट है तो दोस्तों यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो कमांडो थ्री फिल्म धर्म के नाम पर हो रहे आतंकवाद के खिलाफ छिड़ी एक मुहिम की कहानी है हिंदू मुस्लिम बगावत धर्म परिवर्तन देश को खत्म कर देने की धमकी फर्जी पासपोर्ट दूर कहीं छिपा बैठा आतंकवादी देशभक्ति फिल्म में सब कुछ है अंसारी गुलशन देव्या एक मास्टर है जो लंदन में बैठ भी वीडियो के जरिए भारत के युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहा है और भारत के ऊपर बड़े आतंकवादी हमले का साया है ऐसे में भारत सरकार अपने सिर्फ श्रेष्ठ कमांडो कमांडो रणवीर सिंह डोगरा को यानी विद्युत जामवाल को एक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट भावना रेड्डी को लंदन जाकर आतंकवादी को ढूंढकर लाने की जिम्मेदारी देता है लंदन में इनका संपर्क बनता है और ब्रिटिश इंटेलिजेंट की मलिक का दूत और अरमान ठाकुर के द्वारा यहाँ से शुरू होता है यहाँ चूहे बिल्ली का खेल एक और जहाँ भारतीय एजेंट बुराक को पकड़ना चाहते हैं भाई उनकी हर कदम से पहले ही बुराक की नज़र है ऐसे में चारों फिल्म इस तरह के मास्टरमाइंड तक पहुँचते हैं और भारत में होने वाले हमले को रोक पाते हैं यही है फिल्म की कहानी तो इस मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है यह मूवी आप एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिए तो अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे तो दोस्तों कमांडो थ्री मूवी में आपको एक्शन और थ्रिलर का कॉमेडी का तड़का भी देखने को मिलने वाला है यह आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार जरूर से ज़रूर देखिएगा और बात करें इस मूवी कास्टिंग के बारे में तो इस मूवी में आपको विद्युत जाम्वाल की ज़बरदस्त एक्टिंग देखने को मिलने वाली है और यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर पसंद आने वाली है अगर आप थ्रिलर और एक्शन मूवी को एंजॉय करते हैं तो इस मूवी को भी बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है और बात करें इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर की तो इस मूवी को रिलायंस एंटरटेनमेंट पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा क्योंकि हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर आदित्य दत्त जी के द्वारा इस मूवी को डायरेक्ट किया है तो यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करने वाली है इस मूवी को आप ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा और अब अगर आपको हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद गुड बाय हेलो दोस्तों अगर आप कमांडो थ्री मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कमांडो थ्री मूवी के बारे में तो यह मूवी किस तरह की मूवी है कहाँ पर देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टार कास्ट देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी से देखते रहिएगा और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर देखिएगा आइए बात करते हैं कमांडो थ्री मूवी के बारे में तो 29 नवंबर 2019 को रिलीज हुई एक्शन थ्रिलर मूवी है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना कमांडो थ्री मूवी में आपको एक्शन और थ्रिलर देखने को मिलने वाला है यह मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी के आई रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को 10 में से 5.9 की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है बात करें इस मूवी के कास्टिंग के बारे में तो इस मूवी में आपको कई बड़े कलाकार अहम किरदार में नज़र आने वाले हैं जिनमें बात करें विद्युत जाम्बाल अदा शर्मा अंगीर आधार गुलशन देव्या और सिमरन कौर और फरेना वज़ीर कई बड़े कलाकार आपको अहम किरदार में नज़र आने वाले हैं तो इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म के बारे में तो इस मूवी को आप जी फाइव पर भी देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को आप जी फाइव पर भी ज़रूर से ज़रूर देख ले देख लीजिएगा बात करें इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में तो इस मूवी को हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर आदित्य दत्ता के द्वारा इस मूवी को डायरेक्ट किया गया है यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो इस मूवी की टाइम लेंथ दो घंटा तेरह मिनट के तकरीबन है यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से भी 84 प्रतिशत पसंद किया गया है जिया दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को 84 प्रतिशत गूगल यूजर्स की तरफ से भी पसंद किया गया है बात करें इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट 30 करोड़ था जी हाँ दोस्तों सही सुना इस मूवी का बजट तीस करोड़ था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर चालीस करोड़ की धमाकेदार कमाई करी है तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी के बारे में तो इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी सनसाइन पिक्चर्स और रिलायंस एंटरटेनमेंट है तो दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो कमांडो थ्री फिल्म धर्म के नाम पर हो रहे आतंकवाद के खिलाफ छिड़ी एक मुहिम की कहानी है हिंदू मुस्लिम बगावत धर्म परिवर्तन देश को खत्म कर देने की धमकी फर्जी पासपोर्ट दूर कहीं छिपा बैठा आतंकवादी देशभक्ति फिल्म में सब कुछ है बुराक अंसारी गुलसन देवव्या एक मास्टरमाइंड है जो लंदन में बैठकर भी वीडियो के जरिए भारत के युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहा है और भारत के ऊपर बड़े आतंकवादी हमले का साया है ऐसे में भारत सरकार अपने सर्वश्रेष्ठ कमांडो कमांडो रणवीर सिंह डोगरा को यानी विद्युत जामवाल को एक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट भावना रेड्डी को लंदन जाकर आतंकवादी को ढूंढकर लाने की जिम्मेदारी देता है लंदन में इनका संपर्क बनता है और ब्रिटिश इंटेलिजेंट की मलिक का दूत और अरमान ठाकुर के द्वारा यहाँ से शुरू होता है यहाँ चूहे बिल्ली का खेल एक और जहाँ भारतीय एजेंट बुराक को पकड़ना चाहते हैं भाई उनकी हर कदम से पहले ही बुराक की नज़र है ऐसे में चारों फिल्म इस तरह के मास्टरमाइंड तक पहुंचते हैं और भारत में होने वाले हमले को रोक पाते हैं यही है फिल्म की कहानी तो इस मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है यह मूवी आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिए तो अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार हमारे YouTube चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे तो दोस्तों कमांडो थ्री मूवी में आपको एक्शन और थ्रिलर का कॉमेडी का तड़का भी देखने को मिलने वाला है यह मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार जरूर से जरूर देखिएगा और बात करें इस मूवी कास्टिंग के बारे में तो इस मूवी में आपको विद्युत जामवाल की ज़बरदस्त एक्टिंग देखने को मिलने वाली है और यह मूवी आपको जरूर से ज़रूर पसंद आने वाली है अगर आप थ्रिलर और एक्शन मूवी को इंजॉय करते हैं तो इस मूवी को भी बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है और बात करें इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटन की तो इस मूवी को रिलायंस एंटरटेनमेंट पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा क्योंकि हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर आदित्य दत्त जी के द्वारा इस मूवी को डायरेक्ट किया है तो यह मूवी आपको जरूर से ज़रूर इन्जॉय करने वाली है इस मूवी को आप ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा और अब अगर आपको हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद गुड बाय हेलो दोस्तों अगर आप कमांडो थ्री मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कमांडो थ्री मूवी के बारे में तो यह मूवी किस तरह की मूवी है कहां पर देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टार कास्ट देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी से देखते रहिएगा और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर देखिएगा आइए बात करते हैं कमांडो थ्री मूवी के बारे में तो उन्तीस नवंबर 2019 को रिलीज़ हुई एक्शन थ्रिलर मूवी है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना कमांडो थ्री मूवी में आपको एक्शन और थ्रिलर देखने को मिलने वाला है यह मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी के आई रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को 10 में से 5.9 की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है बात करें इस मूवी के कास्टिंग के बारे में तो इस मूवी में आपको कई बड़े कलाकार अहम किरदार में नज़र आने वाले हैं जिनमें बात करें विद्युत जामवाल अदा शर्मा अंगीराधार गुलसन देव्या और सिमरन कौर और फरेना वजीर कई बड़े कलाकार आपको अहम किरदार में नज़र आने वाले हैं तो इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म के बारे में तो इस मूवी को आप जी फाइव पर भी देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को आप जी फाइव पर भी ज़रूर से ज़रूर देख ले देख लीजिएगा बात करें इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में तो इस मूवी को हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर आदित्य दत्ता के द्वारा इस मूवी को डायरेक्ट किया गया है यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो इस मूवी की टाइम लेंथ दो घंटा तेरह मिनट के तकरीबन है यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से भी 84 प्रतिशत पसंद किया गया है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को 84 प्रतिशत गूगल यूजर्स की तरफ से भी पसंद किया गया है बात करें इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट 30 करोड़ था जी हाँ दोस्तों सही सुना इस मूवी का बजट 30 करोड़ था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 40 करोड़ की धमाकेदार कमाई करी है तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी के बारे में तो इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी सनसाइन पिक्चर्स और रिलायंस एंटरटेनमेंट है तो दोस्तों यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो कमांडो थ्री फिल्म धर्म के नाम पर हो रहे आतंकवाद के खिलाफ छिड़ी एक मुहिम की कहानी है हिंदू मुस्लिम बगावत धर्म परिवर्तन देश को खत्म कर देने की धमकी फर्जी पासपोर्ट दूर कहीं छिपा बैठा आतंकवादी देशभक्ति फिल्म में सब कुछ है बुराक अंसारी गुलशन देव्या एक मास्टर है जो लंदन में बैठ भी वीडियो के जरिए भारत के युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहा है और भारत के ऊपर बड़े आतंकवादी हमले का साया है ऐसे में भारत सरकार अपने सिर्फ श्रेष्ठ कमांडो कमांडो रणवीर सिंह डोगरा को यानी विद्युत जामवाल को एक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट भावना रेड्डी को लंदन जाकर आतंकवादी को ढूंढकर लाने की जिम्मेदारी देता है लंदन में इनका संपर्क बनता है और ब्रिटिश इंटेलिजेंट की मलिक का दूत और अरमान ठाकुर के द्वारा यहाँ से शुरू होता है यहाँ चूहे बिल्ली का खेल एक और जहाँ भारतीय एजेंट बुराक को पकड़ना चाहते हैं भाई उनकी हर कदम से पहले ही बुराक की नज़र है ऐसे में चारों फिल्म इस तरह के मास्टरमाइंड तक पहुँचते हैं और भारत में होने वाले हमले को रोक पाते हैं यही है फिल्म की कहानी तो इस मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है यह मूवी आप एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिए तो अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे तो दोस्तों कमांडो थ्री मूवी में आपको एक्शन और थ्रिलर का कॉमेडी का तड़का भी देखने को मिलने वाला है यह आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार ज़रूर से ज़रूर देखिएगा और बात करें इस मूवी कास्टिंग के बारे में तो इस मूवी में आपको विद्युत जाम्बाल की ज़बरदस्त एक्टिंग देखने को मिलने वाली है और यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर पसंद आने वाली है अगर आप थ्रिलर और एक्शन मूवी को एंजॉय करते हैं तो इस मूवी को भी बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है और बात करें इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटन की तो इस मूवी को रिलायंस एंटरटेनमेंट पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा क्योंकि हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर आदित्य दत्त जी के द्वारा इस मूवी को डायरेक्ट किया है तो यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करने वाली है इस मूवी को आप ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा और अब अगर आपको हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद गुड बाय हेलो दोस्तों अगर आप कमांडो थ्री मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कमांडो थ्री मूवी के बारे में तो यह मूवी किस तरह की मूवी है कहां पर देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टार कास्ट देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी से देखते रहिएगा और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर देखिएगा आइए बात करते हैं कमांडो थ्री मूवी के बारे में तो उन्तीस नवंबर 2019 को रिलीज हुई एक्शन थ्रिलर मूवी है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना कमांडो थ्री मूवी में आपको एक्शन और थ्रिलर देखने को मिलने वाला है यह मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी के आई रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को 10 में से 5.9 की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है बात करें इस मूवी के कास्टिंग के बारे में तो इस मूवी में आपको कई बड़े कलाकार अहम किरदार में नज़र आने वाले हैं जिनमें बात करें विद्युत जामवाल अदा शर्मा अंगीर आधार गुलशन देव्या और सिमरन कौर और फरेना वजीर कई बड़े कलाकार आपको अहम किरदार में नज़र आने वाले हैं तो इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म के बारे में तो इस मूवी को आप जी फाइव पर भी देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को आप G5 पर भी जरूर से ज़रूर देख ले देख लीजिएगा बात करें इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में तो इस मूवी को हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर आदित्य आध, आदित्य दत्ता के द्वारा इस मूवी को डायरेक्ट किया गया है यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो इस मूवी की टाइम लेंथ दो घंटा तेरह मिनट के तकरीबन है यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से भी 84 प्रतिशत पसंद किया गया है जिया दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को 84 प्रतिशत गूगल यूजर्स की तरफ से भी पसंद किया गया है बात करें इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट 30 करोड़ था जी हाँ दोस्तों सही सुना इस मूवी का बजट तीस करोड़ था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर चालीस करोड़ की धमाकेदार कमाई करी है तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी के बारे में तो इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी सनसाइन पिक्चर्स और रिलायंस एंटरटेनमेंट है तो दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो कमांडो थ्री फिल्म धर्म के नाम पर हो रहे आतंकवाद के खिलाफ छिड़ी एक मुहिम की कहानी है हिंदू मुस्लिम बगावत धर्म परिवर्तन देश को खत्म कर देने की धमकी फर्जी पासपोर्ट दूर कहीं छिपा बैठा आतंकवादी देशभक्ति फिल्म में सब कुछ है बुराक अंसारी गुलसन देवव्या एक मास्टरमाइंड है जो लंदन में बैठकर भी वीडियो के जरिए भारत के युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहा है और भारत के ऊपर बड़े आतंकवादी हमले का साया है ऐसे में भारत सरकार अपने सर्वश्रेष्ठ कमांडो कमांडो रणवीर सिंह डोगरा को यानी विद्युत जामवाल को एक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट भावना रेड्डी को लंदन जाकर आतंकवादी को ढूंढकर लाने की जिम्मेदारी देता है लंदन में इनका संपर्क बनता है और ब्रिटिश इंटेलिजेंट की मलिक का दूत और अरमान ठाकुर के द्वारा यहाँ से शुरू होता है यहाँ चूहे बिल्ली का खेल एक और जहाँ भारतीय एजेंट बुराक को पकड़ना चाहते हैं भई उनकी हर कदम से पहले ही बुराक की नज़र है ऐसे में चारों फिल्म इस तरह के मास्टरमाइंड तक पहुंचते हैं और भारत में होने वाले हमले को रोक पाते हैं यही है फ़िल्म की कहानी तो इस मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है यह मूवी आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिए तो अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार हमारे YouTube चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे तो दोस्तों कमांडो थ्री मूवी में आपको एक्शन और थ्रिलर का कॉमेडी का तड़का भी देखने को मिलने वाला है यह मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार जरूर से जरूर देखिएगा और बात करें इस मूवी कास्टिंग के बारे में तो इस मूवी में आपको विद्युत जामवाल की ज़बरदस्त एक्टिंग देखने को मिलने वाली है और यह मूवी आपको जरूर से ज़रूर पसंद आने वाली है अगर आप थ्रिलर और एक्शन मूवी को एंजॉय करते हैं तो इस मूवी को भी बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है और बात करें इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटन की तो इस मूवी को रिलायंस एंटरटेनमेंट पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा क्योंकि हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर आदित्य दत्त जी के द्वारा इस मूवी को डायरेक्ट किया है तो यह मूवी आपको जरूर से ज़रूर इन्जॉय करने वाली है इस मूवी को आप ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा और अब अगर आपको हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद गुड बाय हेलो दोस्तों अगर आप कमांडो थ्री मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कमांडो थ्री मूवी के बारे में तो यह मूवी किस तरह की मूवी है कहाँ पर देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टार कास्ट देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी से देखते रहिएगा और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर देखिएगा आइए बात करते हैं कमांडो थ्री मूवी के बारे में तो उन्तीस नवंबर 2019 को रिलीज़ हुई एक्शन थ्रिलर मूवी है जी जिया दोस्तों आपने सही सुना कमांडो थ्री मूवी में आपको एक्शन और थ्रिलर देखने को मिलने वाला है यह मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी के आई रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को 10 में से 5.9 की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है जी दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है बात करें इस मूवी के कास्टिंग के बारे में तो इस मूवी में आपको कई बड़े कलाकार अहम किरदार में नजर आने वाले हैं जिनमें बात करें विद्युत जामवाल अदा शर्मा अंगीरा धार गुलश्सन देव्या और सिमरन कौर और फरेना वजीर कई बड़े कलाकार आपको अहम किरदार में नज़र आने वाले हैं तो इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म के बारे में तो इस मूवी को आप जी फाइव पर भी देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को आप जी फाइव पर भी जरूर से जरूर देख ले देख लीजिएगा बात करें इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में तो इस मूवी को हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर आदित्य आदित्य दत्ता के द्वारा इस मूवी को डायरेक्ट किया गया है यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो से जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो इस मूवी की टाइम लेंथ दो घंटा तेरह मिनट के तकरीबन है यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से भी 84 प्रतिशत पसंद किया गया है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को 84 प्रतिशत गूगल यूजर्स की तरफ से भी पसंद किया गया है बात करें इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट 30 करोड़ था जी हाँ दोस्तों सही सुना इस मूवी का बजट तीस करोड़ था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर चालीस करोड़ की धमाकेदार कमाई करी है तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी के बारे में तो इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी सनसाइन पिक्चर्स और रिलायंस एंटरटेनमेंट है तो दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो कमांडो थ्री फिल्म धर्म के नाम पर हो रहे आतंकवाद के खिलाफ छिड़ी एक मुहिम की कहानी है हिंदू मुस्लिम बगावत धर्म परिवर्तन देश को खत्म कर देने की धमकी फर्जी पासपोर्ट दूर कहीं छिपा बैठा आतंकवादी इस फिल्म में सब कुछ है बुराक अंसारी गुलसन देवव्या एक मास्टरमाइंड है जो लंदन में बैठकर भी वीडियो के जरिए भारत के युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहा है और भारत के ऊपर बड़े आतंकवादी हमले का साया है ऐसे में भारत सरकार अपने सर्वश्रेष्ठ कमांडो कमांडो रणवीर सिंह डोगरा को यानी विद्युत जामवाल को एक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट भावना रेड्डी को लंदन जाकर आतंकवादी को ढूंढ कर लाने की जिम्मेदारी देता है लंदन में इनका संपर्क बनता है और ब्रिटिश इंटेलिजेंट की मलिक का दूत और अरमान ठाकुर के द्वारा यहाँ से शुरू होता है यहाँ चूहे बिल्ली का खेल एक और जहाँ भारतीय एजेंट बुराक को पकड़ना चाहते हैं भाई उनकी हर कदम से पहले ही बुराक की नज़र है ऐसे में चारों फिल्म इस तरह के मास्टरमाइंड तक तो पहुंचते हैं और भारत में होने वाले हमले को रोक पाते हैं यही है फिल्म की कहानी तो इस मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है यह मूवी आप एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिए तो अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार हमारे YouTube चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे तो दोस्तों कमांडो थ्री मूवी में आपको एक्शन और थ्रिलर का कॉमेडी का तड़का भी देखने को मिलने वाला है यह आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार जरूर से ज़रूर देखिएगा और बात करें इस मूवी कास्टिंग के बारे में तो इस मूवी में आपको विद्युत जाम्वाल की ज़बरदस्त एक्टिंग देखने को मिलने वाली है और यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर पसंद आने वाली है अगर आप थ्रिलर और एक्शन मूवी को एंजॉय करते हैं तो इस मूवी को भी बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है और बात करें इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटन की तो इस मूवी को रिलायंस एंटरटेनमेंट पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा क्योंकि हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर आदित्य दत्त जी के द्वारा इस मूवी को डायरेक्ट किया है तो यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करने वाली है इस मूवी को आप जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा और अब अगर आपको हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद गुड बाय हेलो दोस्तों अगर आप कमांडो थ्री मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कमांडो थ्री मूवी के बारे में तो यह मूवी किस तरह की मूवी है कहां पर देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टार कास्ट देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी से देखते रहिएगा और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर देखिएगा आइए बात करते हैं कमांडो थ्री मूवी के बारे में तो गणतीस नवंबर 2019 को रिलीज़ हुई एक्शन थ्रिलर मूवी है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना कमांडो थ्री मूवी में आपको सन और थ्रिलर देखने को मिलने वाला है यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी के आई रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को 10 में से 5.9 की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है बात करें इस मूवी के कास्टिंग के बारे में तो इस मूवी में आपको कई बड़े कलाकार अहम किरदार में नज़र आने वाले हैं जिनमें बात करें विद्युत जाम्बाल अदा शर्मा अंगीर आधार गुलशन देव्या और सिमरन कौर और फ़ारेना वज़ीर कई बड़े कलाकार आपको अहम किरदार में नज़र आने वाले हैं तो इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म के बारे में तो इस मूवी को आप जी फाइव पर भी देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को आप G5 पर भी जरूर से ज़रूर देख ले देख लीजिएगा बात करें इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में तो इस मूवी को हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर आदित्य आध, दत्ता के द्वारा इस मूवी को डायरेक्ट किया गया है यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो इस मूवी की टाइम लेंथ दो घंटा तेरह मिनट के तकरीबन है यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से भी 84 प्रतिशत पसंद किया गया है जिया दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को 84 प्रतिशत गूगल यूजर्स की तरफ से भी पसंद किया गया है बात करें इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट 30 करोड़ था जी हाँ दोस्तों सही सुना इस मूवी का बजट तीस करोड़ था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर चालीस करोड़ की धमाकेदार कमाई करी है तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी के बारे में तो इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी सनसाइन पिक्चर्स और रिलायंस एंटरटेनमेंट है तो दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो कमांडो थ्री फिल्म धर्म के नाम पर हो रहे आतंकवाद के खिलाफ छिड़ी एक मुहिम की कहानी है हिंदू मुस्लिम बगावत धर्म परिवर्तन देश को खत्म कर देने की धमकी फर्जी पासपोर्ट दूर कहीं छिपा बैठा आतंकवादी फिल्म में सब कुछ है। बुराक गुलसन है, बुराक अंसारी, एक मास्टरमाइंड जो लंदन में बैठकर भी वीडियो के जरिए भारत के युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहा है और भारत के ऊपर बड़े आतंकवादी हमले का साया है ऐसे में भारत सरकार अपने सिर्फ श्रेष्ठ कमांडो, कमांडो रणवीर सिंह डोगरा को यानी विद्युत जामवाल को एक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट भावना रेड्डी को लंदन जाकर आतंकवादी को ढूंढ कर लाने की जिम्मेदारी देता है लंदन में इनका संपर्क बनता है और ब्रिटिश इंटेलिजेंट की मलिक का दूत और अरमान ठाकुर के द्वारा यहाँ से शुरू होता है यहाँ चूहे बिल्ली का खेल एक और जहाँ भारतीय एजेंट बुराक को पकड़ना चाहते हैं भाई उनकी हर कदम से पहले ही बुराक की नज़र है ऐसे में चारों फिल्म इस तरह के मास्टरमाइंड तक पहुंचते हैं और भारत में होने वाले हमले को रोक पाते हैं यही है फ़िल्म की कहानी तो इस मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है यह मूवी आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिए तो अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार हमारे YouTube चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे तो दोस्तों कमांडो थ्री मूवी में आपको एक्शन और थ्रिलर का कॉमेडी का तड़का भी देखने को मिलने वाला है यह मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार जरूर से जरूर देखिएगा और बात करें इस मूवी कास्टिंग के बारे में तो इस मूवी में आपको विद्युत जामवाल की ज़बरदस्त एक्टिंग देखने को मिलने वाली है और यह मूवी आपको जरूर से ज़रूर पसंद आने वाली है अगर आप थ्रिलर और एक्शन मूवी को एंजॉय करते हैं तो इस मूवी को भी बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है और बात करें इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटन की तो इस मूवी को रिलायंस एंटरटेनमेंट पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा क्योंकि हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर आदित्य दत्त जी के द्वारा इस मूवी को डायरेक्ट किया है तो यह मूवी आपको जरूर से ज़रूर इन्जॉय करने वाली है इस मूवी को आप ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा और अब अगर आपको हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद गुड बाय